यो, क्या हाल चाल है भाई लोग, भाइयों और टाटा भाई, क्या ही बोलो गाइस। टाटा क्यों बोल रहा हूँ मैं पागल हो गया गाइस, क्या ही बोलो। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे भागम दौड़ी हो गई यार। ये देसी अपडेट आ गया पबजी का, हमें पता नहीं चला। और हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो पबजी का एप्लीकेशन है, वो भाई अपडेट हो गया भाई आईफोन में। अभी ये भाई अपडेट हो जाएगा तो भाई तकलीफ तो आप लोगों को होगी, क्योंकि आप लोग एंटर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमने फटाफट यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना दिया, अब भी डाला है जस्ट गाइस, अब भी 9:30 बजे यूट्यूब का वीडियो डाल दिया। और बंदे भाई रिस्पॉन्स देखो, भाई बंदों का रिस्पॉन्स देखो, फटाफट यहाँ पे भाई ऐप डाउनलोड करके फटाफट डाल के आ रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे लेट होने वाले हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं यहाँ पे लेट होने वाले, देखते हैं क्या क्या होने वाला है धीरे धीरे। हम लोग, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेट होने वाला है। तो गाइस आज का थोड़ा सा स्क्रीन का टाइमिंग चेंजेस है, टाइमिंग में चेंज है। अप्रोक्सीमेटली 10:20 को स्ट्रीम चालू होने वाला है, स्क्रीम चालू होने वाला है, अगर बंदे ठीक से आए तो। नहीं तो फिर थोड़ा सा और रुकेंगे हम लोग, एंड उसके बाद में फिर थोड़ा और रुकेंगे 11:30 के स्क्रीम के लिए। और क्या ही बोलूँ, चलिए देखते हैं। फिलहाल के लिए तो चैट पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अभी आगे पीछे हो गया, ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि भाई ये अपडेट जो आया भाई, ये अपडेट ने सबको हिला दिया भाई, जितने भी स्क्रीन करा रहे हैं उनको। हेलो ज्यूस, हेलो मिस्टर स्टार्टन ज्यूस, वॉर एक्स रोहन ओपी, हेलो ज्यूस ब्रो, हेलो रोहन, लेट्स गो राशन डायस, आ जाओ भाई, कहाँ गए? अरे ब्रो आ ही रहा था, बस क्या ही बोलू यार, यहाँ पे थोड़ा सीन हो गया यार। ये भाई अपडेट का, भाई ये अपडेट आ गया और अपडेट ने भाई पूरा जला दिया भाई बंदों को, पूरा दौड़ा दिया भाई बंदों को। यूट्यूब विशिन, हेलो ब्रो, क्या हाल चाल है? ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे बंदे पूछ रहे हैं कि आईफोन का कैसे अपडेट करना है वो भेजो, तो वो वीडियो में भेज रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा जरा। यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी करके भेज रहा हूँ भाई बंदे बंदे गाइस, ये अपना इंडिया का है भाई, ये बोलते, इसको बोलते हैं फुल इंडियन बाजी। यहाँ पे सब ऑन टाइम जाता है, वीडियोस ऑन टाइम, अपडेट्स होने वाले ऑन टाइम, बंदे खेलने वाले नहीं, टाइम के बाद में खेलने वाले बंदे बंदे तो बाद में खेलेंगे, बस बाकी सब ऑन टाइम। हेलो ब्रो मी बॉट, आ ये ब्रो यू बॉट, व्हाई यू किल मी ब्रो, यू किल मी ब्रो, यू किल मी बिफोर इन कस्टम ब्रो यस्टरडे। व्हाई ब्रो व्हाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? नो आई थिंक इट वाज समबडी एल्स, आई थिंक इट वाज शैडो, एल2डी शैडो। इंस्पायर ब्रो, हेलो, क्या हाल चाल है? मिसेज बोला, अच्छा मिसेज जूस तो भाई आपसे बात करे कि नहीं मुझे पता नहीं, पर हम बात कर सकते हैं। अरे मेरा भाई बताओ ना भाई, है कहाँ पे आप लोग? मोरेश यहाँ पे आ चुके हैं, मी नॉट भाई, कॉल मी बहन है मीरा, ओके ओके इंस्पायर मीरा, अच्छा, हेलो बहना क्या हाल चाल है? यूट्यूब विजन मेरे भाई, भाई यूट्यूब विजन हंसी रहा है भाई। अरे भाई आईडी पासवर्ड कहाँ पे गया? बंदे आईडी पासवर्ड मांग रहे हैं, हम उनको लिंक भेज रहे हैं गाइस। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है यार, का करे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा। और ये साला ऊपर से हमारा फोन यहाँ पे भाई रो रहा है भाई, बोल रहा है भाई बस कर भाई, इतना भाई घिसेगा तो भाई मेरा स्क्रीन टूट जाएगा, बोल रहा है, क्या ही बोलेगा इस दीदी को। दीदी जी, हेलो दीदी, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड, चाय पी लो,
मॉडल भैया आइए डैप करते हुए, हेलो विजन। अच्छा इंस्पायर भैया, इंस्पायर मीरा बहना दीदी यहाँ पे विजन के साथ में बात कर रहे हैं। मॉडल्स आज हैशटैग दिखाना भाई, आज हैशटैग को पूरा दिखाएंगे मॉडल्स, आज फुल ऑन दिखाएंगे, हैशटैग फुल ऑन फोड़ने वाले। हैशटैग का कोई नया ये है क्या गाइस? मॉडल्स कोई है क्या? मॉडल्स देखते हैं तेरा मॉडल्स क्या, किसको लेके आ गए भाई नए बंदे। ब्रो व्हाट इज दिस बिहेवियर? मॉडेस्ट मॉडेस्ट व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? वही तो हम बोल रहे। आज तो भाई मैं और एबल बात करते करते रूम बनाना भूल गए। हाँ एबल को मैं पकड़ता हूँ बाद में, उसको देखता हूँ। रुको अच्छा कहाँ साला रूम बनाने का, तो साला बात करते हैं। रियुक बॉट ओ भाई नेस्टी नूब को निकालो, नेस्टी नूब है कहाँ पे? हाँ न्यू रिक्रूटमेंट्स, अच्छा, नाइस 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 ब्रो। स्टार्ट कब होगा? राइडर मेरे पास थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। बंदे यहाँ पे आ रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पे इन लोगों ने अपडेट नहीं किया, इसके लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। रियुक गया आईएएस बनने। ओ भाई ओ भाई 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 रियुक मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक टू यू, जल्दी से आईएएस बन के आ जाओ, फुल बूम बाम करो और भाई कंट्रोल ले लो अपने एरिया का, फुल तोड़ फोड़। मिसेस ज्यूस क्यों बात नहीं करेगी मेरे साथ? हमें नहीं पता मैडम, आप उनसे ही पूछिएगा। भाई तुम्हारा आज जितने बंदे के नंबर थे सबको मिला दिया कॉल, मतलब हमारे कितने बंदे? ईस्टर वाले बॉट? अरे भाई UP50 को कॉल किया 15 बार, उसने सुना दिया। भाई तेरी गांड मेरा बहुत बड़ी चूल है, छोड़ो यार अभी क्या बोलो, क्या करने के लिए भाई चूल ये कर रहा है तू? ये बता मेरे को, तेरे को नंबर कौन दिया? बकचोदी करता है बे। रुक अभी तेरे को बताता है, 1 मिनट रुक। एबल कहाँ पे? तू सबको भाई तंग करता रहता है भाई, मेरी बात अलग है, मैं भाई पेशेंस रखता हूँ, बाकी किसी को तंग मत करा कर, ठीक है? ये सब ऐसा, ये सब क्या बच्चे की तरह करता है भाई, तू बच्चा है क्या? चलो छोड़ो फिलहाल के लिए, तो हम इस सिचुएशन से बाद में ये करते हैं, डील करते हैं। अरे वो लड़की नहीं है, वो एक लड़का है यार, एक छोटू सा लड़का है, क्या पता अभी मैच्योर है कि नहीं, वो भी नहीं पता। अरे मजाक था। और हाँ भाई बच्चा हूँ, उनको कॉल नहीं किया मैंने, उनको कॉल नहीं किया मैंने। हाँ ठीक है चल भाई, अच्छी बात है, चल अच्छी बात। तो ऐसे मजाक मत किया कर भाई, तू हमारे और का नाम लेगा उधर जाके बात करेगा भाई, वो लोग गुस्सा हो जाएंगे खाली पकड़ में भाई। वो सामने वाला जो बंदा इतना अच्छे से उनको लेके आया है, वो हमें फिर बाद में ये करेगा, बोलेगा कि भाई आप आपके और से कॉल आ रहे करके। हाँ मिसेस ज्यूस आप भी करते हो स्ट्रीम? नहीं मिसेस ज्यूस स्ट्रीम नहीं करते हैं। मेरा भाई व्हाट इज दिस बिहेवियर? मेरा भाई इंस्पायर मेरा तो मेरे को पता है भाई, भाई है भैया है। गाइस थोड़ा और टाइम लग जाएगा। ज्यूस ओपी आ, ये बूढ़ी बूढ़ी ओपी? नहीं नहीं आई एम नस। अच्छा ज्यूस भैया BKCG बन गए, और मैं आपका नाम क्यों लूंगा, खुद का नाम लूंगा, जानता है वो मेरे को। अरे भाई फिर बूम बाम कर दे भाई, उनको बुला ले भाई यहाँ पे, इनवाइट कर दे भाई। तू क्या कर रहा है भाई, तू इतनी इतनी पहचान है तो, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो?
ए ब्रो, हेलो रोहन मेरे भाई, क्या हाल चाल? मुझे भी पता है। अच्छा ठीक है, नेस्टी नहीं खेल रहा। अरे नेस्टी का भाई गेम ही अपडेट नहीं है, वो सबको बोल रहा है। अपडेट ही कर रहा है वो, अपडेट ही कर रहा है। देखते हैं उसको, पूछते हैं भाई भाई व्हाट इज दिस बिहेवियर। आप बोले नहीं लो, कल आएगी योर टीम गारंटी। हाँ कल आएगी टीम गारंटी, देखते हैं भाई। तुम्हारे गारंटी भाई मेरे को वारंटी की तरह भी नहीं लगती है। वापस से टाइम आउट। नेस्टी पागल है। कोल्ड ड्रिंक कोला को, कोल्ड ड्रिंक कोला को। ओ भाई दीपा कौन है? दाल मखनी। हाँ दाल मखनी है ये दाल मखनी है गाइस, ये दाल मखनी है। मॉडेस्ट बिगनू, आइए सुंदर भैया आ चुके हैं यहाँ पे। सुधर इलेक्ट्रिसिटी आई या नहीं? टाइम चेंज करते हैं, मतलब आज थोड़ा सा यहाँ पे लेट कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे सिर्फ 50 बंदे ऐसे लोग वेट कर रहे हैं। लेट्स सी बंदे आ रहे हैं कि नहीं, तो फिर स्टार्ट कर देंगे। साला इतना बिजी हो गया भाई ये हमारा मैनेजर नेस्टी भैया, पता नहीं क्या करे। इससे ऊपर बंदे नहीं आने वाले हमें नहीं लगता है गाइस। चलो लास्ट जोन में फाइट देखने मिलेगी। मेरे घर के बाहर कान तक बर्फ पड़ी है, क्या बात कर रहा है इतना भाई, इतनी बर्फ पड़ी है। हबीबी वाले ओपी आए, ये हबीबी के सपोर्टर्स आ चुके हैं। मेरे को लग रहा है कि आज नहीं खेलने वाले हबीबी जी, नहीं उनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है और नेट कनेक्शन का थोड़ा इशू चल रहा है। अभी भी कहा हैशटैग ओपी नंबर 18 पीएमडीसी। आई बूम। अभी खेल रहे हैं ना तुम लोग ब्रोकोड के मॉडेस्ट, सेमीज में पहुंच गए ना गाइस। आप लोगों को बोलना चाहता हूँ यहाँ पे हैशटैग की टीम ब्रोकोड्स के जो टूर्नी चल रहा है उसमें खेल रहे हैं और उसमें सेमीज में पहुंच गए, तो फिर बूम बाम होने वाला है धीरे धीरे।
ऑल राइट गाइस, तो हम लोग को यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ चुका है। हम लोग करने वाले हैं चालू, बूम बाम होने वाला है यहाँ पे। आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ी देर के लिए वेट करो और बाद में आप लोग आ सकते हैं। इसके बाद में होने वाला है वीकेंडी का मैप। इस कैरेक्टर का सिंबल बहुत बड़ा हो नहीं गया? ओके, तो मैच यहाँ पे चालू हो चुकी है और हम यहाँ पे एक मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या ना, IGPL के बंदे यहाँ पे आ गए हैं। वासु एंड बेरू इज हियर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और क्या यहाँ पे बूम बाप करने वाले हैं बंदे। ओके, तो फ्लाइट पाथ को हम लोग देख लेते हैं गाइस। फिलहाल फ्लाइट पाथ जा रहा है साउथवर्ड के डायरेक्शन में, आज का नया अपडेट का पहला वाला फ्लाइट पाथ। एंड ये जा रहा है साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम सेवर्नी टू मिलिट्री बेस। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। वेयर आर दिस गाइज गोइंग टू ड्रॉप ऑन टू। हाँ ठीक है भाई, मेरे को नहीं आता है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर राइट नाउ। विल द टीम गो इन रोजॉक और आर दे गोइंग टू पुचिंकी और कैन दे गो टू मिल्टा। आई डोंट थिंक दे विल गो टू मिल्टा पावर। पर मेरे को लगता है कि गाइज यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी हिंदी में बात करनी चाहिए, क्योंकि भाई हमारी भाई हिंदी की कास्टिंग थोड़ी सी ओपी होती है, इंग्लिश की इतनी अच्छी नहीं होती है। जी हाँ, पता है हमें हमारी इंग्लिश की कास्टिंग अच्छी नहीं होती है, तो भाई इंग्लिश का कास्टर बनने का जरूरत नहीं है ब्रो। हिंदी के कास्टर बहुत ही पहले बहुत ही कम है, तो भाई इसी लाइन में घुस जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे बंदे कहाँ पे उतर चुके हैं और ऑलमोस्ट सब बंदे मेरे को लग रहा है यसना की तरफ उतरने वाले हैं। म्यूजिक ऑन है, म्यूजिक को बंद कर लेते हैं हम लोग। म्यूजिक को बंद कर दिया। स्लॉट लिस्ट भेजो, UP50 वाले मांग रहे हैं। ब्रो यार, UP50 वाले तो हमारे दोस्त के भी दोस्त है, उधर से भी आ सकते हैं वो। यसनेहा पोलियाना के बंदे जो है वो अभी भाई यहाँ पे दो दो थी भाई। एक तो पहले से कम बंदे, ऊपर से आप लोग फाइट लेने के लिए चालू हो गए। भाई ये क्या ग्लिच है ब्रो, मेरे को तो बंदों के यहाँ पे टैग ही नहीं दिख रहे हैं। गाइस ये नए ग्लिचेस यहाँ कहाँ से आते हैं? इनकी माँ का साकी नाका साला, पबजी वाले तुम लोग क्या करते हैं बे, ग्लिचेस के ऊपर ग्लिचेस लेके आते भाई, प्लेयर ही नहीं दिख रहे। हाँ रुको, अरे मारियो, अरे मारियो यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं रेजर। ओके, रेजर की स्क्वाड को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फिलहाल के लिए स्लॉथ खेल रहे हैं, मारियो खेल रहे हैं, क्रीड खेल रहे हैं एंड गॉर्सी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे भाई डीएमआर के बंदों के साथ में फाइट हो चुकी है। डीएमआर के बंदे फाइट ले रहे हैं एंड द फाइट इज गोइंग इन पुचिंगी राइट नाउ। इट इज इन भाई, ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रेकॉर्ड की हेल्थ लो चुके हैं। प्रेकॉर्ड ने उसी के साथ मारने कोशिश किया और प्रेकॉर्ड को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। IGPL के मैक्स ओपी एंड इनके एक और साथी यहाँ पे खत्म करते हुए प्रेकॉर्ड को। और कहीं अगर आपको देखना है तो ये देखो भाई क्या ही ग्लिच है यहाँ पे, नए नए ग्लिच पबजी वाले लेके आते हैं भाई। यहाँ पे बंदों के भाई नंबर ही नहीं दिख रहे भाई, टट्टी दी अनबीटेबल्स का एक ही बंदा यहाँ पे सैवेज जो है, जो अपने आईफोन या मे बी अपना एंड्रॉइड फोन को यहाँ पे, मेरे को लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आईफोन ही यूज करते रहेंगे सैवेज। और सैवेज ने यहाँ पे अपडेट कर लिया, सैवेज यहाँ पे उतर चुके हैं इनके नजदीक में भाई, थोड़े से दूर यहाँ पे नोवो रपनॉय में उतर चुके हैं टीम नंबर 11। देखते हैं क्या होने वाला है। अरे तो मैं बुला रहा कल के लिए, नहीं बुला रहा, बुलाओ क्या ब्रो? अरे कल के लिए बुलाओ ना, ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स। नया ग्लिच नहीं है, नया अपडेट है। अच्छा ये नया अपडेट है, तो भाई हम लोग नंबर कहाँ से देखेंगे? अच्छा कहाँ, ये क्या सीन है ब्रो, ये अभी ये क्या नया अपडेट आ गया? चलो कोई नहीं, गाइस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल के लिए भाई बंदे यहाँ पे क्या है ब्रो, व्हाट इज दिस ब्रो। हाँ तो यहाँ पे टीम नंबर भाई टीम नंबर भी नहीं दिखा रहे भाई, इनकी माँ का साकी नागा। टीम नंबर 18 जो है वो लोग अभी फाइट करने वाले ग्रे कलर की टीम के साथ में। और ग्रे कलर की टीम कौन सी है भाई, ये देखना है भाई। टीम नंबर 13 है यहाँ पे, टीम नंबर 13
एंटीमेटिंग फाइट करने वाले, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे बूम बाम करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे एफएसएम के बंदे, दे आर फाइटिंग विद स्क्वाड रेजर राइट नाउ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम लोगों को देखो, चलो यूट्यूब वालों को भी देख लेते हैं। भाई यूट्यूब वाला थोड़े से दूर है ब्रो, यूट्यूब वाले है किधर? अबे किधर है तुम लोग? अबे ये तो पानी, अबे ये क्या कर रहे हैं ब्रो यूट्यूब वाले? भाई ये लोग तो भाई हवा में मजे ले रहे हैं। गाइस ये देखो, आ ये फुल ग्लाइडिंग करते हुए इधर ग्लाइडर्स बन के सीजन 4 का भाई यहाँ पे बूम बाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फुल धमाल करते हुए यहाँ पे यूट्यूब वाले फुल मजे कर रहे हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इधर से हटके जाते हैं टीम एफएसएम के पास में, टीम नंबर 18 एंड टीम रेजर के पास में। यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया है, बहुत ही ओपी नॉक यहाँ पे दिला दिया है एफएसएम के लक्ष्य को। एंड यश यहीं पे पीछे में है शायद से। यहाँ पे ये लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एफएसएम के हंटर जो है वहां से एक साइड से यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई गॉडजी तो बंदे को जो ही मार रहा है, क्या ही बोलूं गाइस। हंटर ने जो फ्लैंक ले लिया है वो भाई इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया है। हंटर अभी दूर चले गए हैं और इनके 3 साथी जो थे वो एक के पीछे एक नॉक हो रहे हैं। यश अभी तक जिंदा है यहाँ पे। लक्ष्य जो है वो में भी यहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं, उनको रेस्ट मिलने वाला है। हंटर पीछे से अटैक करेंगे तो यहाँ पे इनके पास पे दो दो बंदों का यहाँ पे किल्स आ सकते हैं, दो बंदों को यहाँ पे नॉक करा सकते हैं। गौरदी ऊपर चढ़ चुके हैं एंड गौरदी मेरे को लग रहा है कि मे बी फिश के साथ में खत्म करेंगे। ओ भाई यहाँ पे हेडशॉट को फिश के साथ में खत्म करते हुए गौरदी रेजर की स्क्वाड एंड अटैक आ रहे हैं। यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया है, यश को यहाँ पे वापस नॉक मारियो। यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, पर यश जो नॉक हो चुके हैं इनको फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। आ भाई लक्ष्य अभी तक जिंदा है, लक्ष्य मारने की कोशिश कर रहे हैं। अकेला बंदा यहाँ पे, लक्ष्य भी नॉक हो पड़ा है। हंटर यहाँ पे बाकी है एंड स्लॉट अकेला बाकी, पीछे से रेजर गॉर्जी भी है। हंटर यहाँ पे मे बी स्लॉट के यहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई तेरे नजदीक में प्लेयर आ गया, स्लॉट को कॉल दे दिया गया है। हंटर यही पे वेट कर रहे हैं, हंटर को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे हंटर रश करेंगे, इनको पता है कि भाई रश ही सब कुछ है, इनको किसी ना किसी एक प्लेयर को लेना ही पड़ेगा यहाँ पे आटे में। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ऊपर घुसने की कोशिश यहाँ पे इनको बता दिया है। ओ यहाँ पे हंटर मरते हुए एंड गॉर्जी यहाँ पे रेव हो जाएंगे, रेव करेंगे। एफएसएम क्रॉच, एफएसएम का एक और नहीं बंदा पता भाई, साला, वे कहीं भी दिख एफएसएम के जाए। बंदे आ गए यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे। और ये तो भाई हैट के ऊपर मार रहे जो कि पेटी बनी हुई है, इनको यहाँ पे तकलीफ हो गई है। बट रेजर गॉडजी को यहाँ पे नॉक दिलाते हुए नेस्टी को भी यहाँ पे नॉक दिला दिया। क्रॉक क्रॉक के ऊपर फायर आती हुई, क्रॉक यहाँ पे थोड़े से तकलीफ में आ गए हैं। 4 डॉट्स के बंदे भी यहाँ पे नॉक हुए जा रहे हैं। एक और बंदे को नॉक दिला दिया मारियो यहाँ पे नॉक। एसटीआर के वेगा भाई फुल वेगा बन गए, मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास में नेड आ चुका है यहाँ पे क्रॉक के पास में, पर क्रॉक जो है मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बचने वाले हैं। स्मोक्स के कवर डाल दिए गए हैं यहाँ पे, वेगा आगे नहीं बढ़ने वाले। क्या वेगा अंदर घुसनेंगे, क्या यहाँ पे एफपीपी का इस्तेमाल किया जाएगा? और इनके सामने बंदा क्या मार पाएगा, यही पे बाजू में बंदा भाई वेगा, यो वेगा को मार दिया एंड फिनिश ऑफ करते हुए यहाँ पे ओपी। यहाँ पे वेगा को खत्म कर दिया गया था ऑलमोस्ट, पर वेगा ने पिक ऑफ कर लिया बंदों को। एंड वेगा बंदों को पिक ऑफ करते हुए यहाँ पे वेगा की फाइट बहुत ही ओपी हमें देखने मिली। वहीं पे अगर देखा जाए तो टीम नंबर 24 इज फाइटिंग विद द अदर प्लेयर। देखते हैं यहाँ पे नैशिन को रैप दिए जा रहे हैं एंड रेज के बंदे यहाँ पे आ चुके हैं। रेज के बंदे पेलने वाले फैम के फ्लिक, तो ये फैम की टीम है। आज रेज का एक बंदा यहाँ पे फैम में खेल रहा है। फैम जो है इन्होंने जंप मार लिया, फ्लिक को पता है कि बंदा यही पे है यार, मारने की कोशिश, नैची को मारने की कोशिश कर रहे हैं। नैची अगर नीचे था, नैची यहाँ पे नॉक हो पड़े हैं और नहीं बचा पाएंगे नैची अपने साथी को भी। पीछे में वैट 699 मास्टर आ रहे हैं इनकी हेल्प करने के लिए, पर तब तक के लिए यहाँ पे बंदे मर जाएंगे। एंड दी अनबीटेबल अभी तक वही पे एक ही जगह पे यहाँ पे पेलम पाली करने वाले हैं। ओपी थंबनेल, थैंक यू सो मच द लॉस्ट गेमर। तो गाइस यहाँ से टीम नंबर 11 जा रही है, आराम से मजे कर रही है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। ओ भाई टीम नंबर 11 के ऊपर अटैक आ गए हैं अनबीटेबल्स के बंदों के। ओ भाई इनको नॉक कर दिया है, भाई इनको नॉक करके भाई अनबीटेबल्स के बंदे फुल भाई फेलने की कोशिश कर रहे हैं। सैवेज ने इनको नॉक कर दिया है और मिस्टर अभी को यहाँ पे खत्म किया जाएगा, बॉस के साथ में खत्म कर दिया गया है। टीएस के रॉकी ओपी जो है वो अभी तक जिंदा है। रॉकी ओपी यहाँ पे क्या करने वाले हैं उसको हम लोग को देखना है। वहीं पे अगर देखा जाए तो येगर मास्टर जो है वो नॉक पड़े हैं। येगर मास्टर के पास में यहाँ पे वैट 69 ने यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया जरूर, पर पीछे से यहाँ पे आधार आए और आधार की तरह यहाँ पे इनको आधार देते हुए फ्लिक को
बचा लिया गया फ्लिक को, यहाँ पे अभी रेफ किया जाएगा और देखते कहीं और फाइट चल रहा है कि नहीं। बॉबल की स्क्वाड यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, टीम नंबर 22 इज फाइटिंग विद टीम नंबर 3 और देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है गाइस। मे भी आईजीपीएल के बंदे भाई यहाँ पे रश मारने की कोशिश कर रहे हैं। टीम नंबर 8 को दिखाओ, टीम नंबर 8 बहुत ही दूर है ब्रो, बहुत ही दूर। विच इज टीम नंबर 8? टीम नंबर 8 है ही नहीं, अभी भी है ही नहीं ब्रो, अभी भी का यहाँ पे रिलोड नहीं, अपना ये नहीं, अपडेट नहीं हुआ गेम। आईजीपीएल का एक बंदा नीचे आया था, दो बंदे नीचे उतर चुके थे बाउंड्रीज पे। सक्स यहाँ पे इनको स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं स्पॉट कर पा रहे। वासु जो है वेट कर दिए यहाँ पे, आईजीपीएल के वासु यही पे है और देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। आईजीपीएल के वासु एंड बॉम्बर स्लग्स ओपी, और हम लोग का अभी यही देखना है कि यहाँ पे क्या होने। वासु ने नेट कुक कर लिया, नेट डालते हुए यहाँ पे वासु बॉम्बर के स्लग्स के ऊपर, स्लग्स की हेल्प लो। वासु यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, पुशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, स्लग्स मारने की कोशिश कर रहे हैं। वासु एक जगह पे वेट कर दिए, अभी स्लग्स यही पे है, इनके ऊपर अभी स्लैमिंग किया जाएगा और इनके ऊपर बूम कर दिया जाएगा। देखते हैं यहाँ पे स्लग्स ओपी क्या करने वाले हैं। पीछे से बॉम्बर की स्क्वाड जरूर है इनको बचाने के लिए, पर अगर बंदे नीचे घुस गए तो यहाँ पे बॉम्बर स्लग्स ओपी मरने वाले है। गाड़ी को फोड़ने की कोशिश किए जा रहे हैं यहाँ पे वासु, इनको यहाँ पे वासु को बहुत ही अच्छा नॉक दिला दिया है। बेरुस यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, बेरुस को मारने की कोशिश पर स्लग्स यहाँ पे नॉक होते हुए, स्लग्स को यहाँ पे बचाने की कोशिश करने वाले हैं बॉम्बर के बंदे। देखते हैं क्या होने वाला, दोनों के दोनों बंदे पीछे से कवर दे रहे थे पर यहाँ पे स्लग्स नॉक हो पड़े एंड स्लग्स को अभी तकलीफ में डाल दिया है। स्लग्स अभी तकलीफ में आ चुके हैं, वहीं पे आईजीपीएल के बंदे यहाँ पे रेव हो जाएंगे। इसका मतलब है टीम बीएमबीआर के बंदे जो है वो तकलीफ में अभी आने वाला है, क्योंकि आईजीपीएल के बंदे जो है वो धीरे 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 हर एक कोने कोने से यहाँ पे इनको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्लग्स ओपी यहाँ पे मर चुके हैं, स्लग्स ओपी जो थे वो मर गए हैं और देखते देखते यहाँ पे आरिश भी नॉक हो पड़े हैं। राइडर यहीं पे अकेले है, राइडर को ऊपर जाना पड़ेगा अगर आरिश को बचाना है तो, बट राइडर इज वेटिंग फॉर हिम इन द बालकनी यहाँ पे स्पॉट करते हुए। बट नहीं, मैक्स को नॉक कर दिया गया एंड मैक्स को क्या फिनिश ऑफ करेंगे? जी हाँ, फिनिश ऑफ कर दिया गया। राइडर जो है वो भाई एक एक करके फिनिश ऑफ कर रहे हैं, अभी हेल्थ मारने वाले हैं शायद से। जी नहीं, नहीं हेल्थ मार पाए, वासु ने इनको खत्म कर दिया। टीम 16 जो है वो अभी फाइट करने वाली है, द स्पोर्ट्स के बंदे नाउ दे आर फाइटिंग विद टीम नंबर 5। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। टीम नंबर 5 भाई, टीम 16 जो है वो निकल पड़े गाइस, यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे टीम नंबर 5 के साथ में क्या होने वाला है, क्या टीम नंबर 5 इनका पीछा करने वाले। टीम नंबर 5 को तो पता भी नहीं है कि इनके नजदीक में बंदे है। टीम यूट्यूब जोन के बाहर है, वहीं पे टीम पैम भी जोन के बाहर से आगे आ रही है एंड टीम 11 भी यहाँ पे जोन से बाहर आ रही है। ओके तो यहाँ पे अभी अगर देखने जाए तो टीम नंबर 21 के अगेंस्ट एक टीम आ रही है जो कि फुल स्पीड में जा रही है। देखते हैं यहाँ पे नजदीक में ही तो है और बंदे आ चुके हैं, टीम नंबर 1 के बंदे, एफएसएम के बंदे आ चुके हैं और गाड़ी घुमा दी है। वेगा को मालूम पड़ गया है कि भाई यहाँ पे बंदे, वेगा ने जो तेजी में गाड़ी लाए थे वही तेजी में भाई अबाउट टर्न मार के चले गए हैं। क्रॉक यही पे है, क्रॉक अभी मे बी इनको हिट करने वाले, मेरे को लग रहा है पीछे से यहाँ पे इनको हिट करने की कोशिश करने वाले हैं क्रॉक। तो वेगा एंड क्रॉक यहाँ से शायद से वेट करेंगे और इनको नॉक करने की कोशिश करेंगे, अगर नॉक हुए तो यहाँ पे रश मार दिया जाएगा। देखते हैं यहाँ पे ये फाइट कैसे चलने वाले। वहीं पे हैशटैग को अगर देखा जाए तो हैशटैग के बंदे नाउ दे आर फाइटिंग विद टीम, जी नहीं यहाँ पे रोटेशन लिए जा रहे हैं टीम आईजीपीएल के साथ में फाइट होने वाले। स्प्रे डाल जरूर दिया है पर पीछे से यहाँ पे कवर दे दिया, बहुत ही ओपी कवर मॉडल्स दे दिया एंड ओजी निंजा को यहाँ पे बचाते हुए, बहुत ही अच्छा टीम वर्क यहाँ पे दिखाते हुए पेरिस को यहाँ पे स्पॉट कर दिया एंड भाई ओजी निंजा जो है वो भाई पेनले के ऊपर आ गए है मॉडेस्ट एंड ओजी निंजा। भाई यहाँ पे ओजी के एक बंदे की लो हो चुकी है हेल्थ, हाथ तोड़ भाई इनका नाम डेंजर है, हैट टॉड टॉडलो, हटॉडलो ओपी, हटॉडलो ओपी एंड निंजा एंड मॉडेस एंड बनपास आज खेल रहे हैं टीम हैशटैग के अंदर से और यहाँ पे हिट्स किए जा रहे हैं, हिट्स लिए जा रहे हैं। टीम हैशटैग इज फाइटिंग विद टीम IGPL। देखते यहाँ पे क्या होने IGPL के बेरूस एंड TOX वासु अभी तक यही पे है, TOX अलॉन्ग विद वासु। देखते हैं यहाँ पे IGPL एंड जो टीम हैशटैग की फाइट चल रही है वो कैसे जाने वाली है। फिलहाल के लिए हम लोग देख लेते हैं कहीं और, देखते हैं यहाँ पे टीम स्टार जो है वो अच्छे खासे रोटेशन मार रही है, बहुत ही ओपी रोटेशन मारते हुए टीम स्टार यहाँ पे आ रही है।
तो गाइस यहाँ पे हबीबी के बंदों का मैसेज आ चुका है कि अपडेट नहीं था, बट नेक्स्ट रूम में आने का ट्राई करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे फिलहाल के लिए तो चलता है गाइस, कोई बात नहीं, यहाँ पे अपडेट्स का थोड़ा सीन है। और वहीं पे अगर देखें तो भाई हमारी बातों बातों में आईजीपीएल के बंदे यहाँ पे आ चुके हैं नजदीक में, टीम हैशटैग के मारने की कोशिश करने वाले, बेरुद, वासु एंड टॉक्स। देखते हैं क्या होने वाला है। पीछे से यहाँ पे बी4ई भी फाइट कर रही है टी20 के साथ में, टी12 जो है वो भी अभी यहाँ पे तकलीफ में आने वाली है, बट एक अच्छा खासा कवर टीम नंबर 12 के पास में है, तो शायद से यहाँ पे टीम नंबर 12 बच जाएंगे एंड मे बी यहाँ पे किल्स निकाल पाए टीम नंबर 12। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला, टीम नंबर 12 के ऊपर नेट्स आ तो जरूर रहे हैं, बट दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड राइट नाउ, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू किल टीम आईजीपीएल, टू नॉक समबडी फ्रॉम टीम आईजीपीएल एंड मे बी दे देन गो अहेड विद द किल्स। देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं। मॉडेस्ट अभी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है एंड हैटोलोपी जो है वो मारने की कोशिश करने वाले हैं, बट इनका हेल्थ लो हो रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे आजीबल के बंदों के ऊपर भी अभी अटैक्स आने वाले हैं, शायद से बिफोर यू के बंदे इनको देखे जा रहे हैं। वासु, बेरुस एंड टीओएक्स टॉक्स यहाँ पे फाइट कर रहे हैं टीम हैशटैग के साथ में, और क्या ये यहाँ पे नॉक निकाल पाएंगे, मारने की पूरी कोशिश की जा रही है। आईजीपीएल के बंदे यहाँ से निकल चुके हैं, हैटोडलो ओपी को देख लेते हैं, एफएलके ने यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया, मतलब इसका मतलब है यहाँ पे फाइट चालू हो चुके हैं। किंग को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे किंग फिलहाल के लिए मेरे को लग रहा है कि फाइट करने वाले, हिट करने वाले हैं बंदे को, बंदे यहाँ पे रश मारने के ऊपर आ चुके, किंग के ऊपर आ चुका है रश एंड टीम बिफोर यू यहाँ पे रेव होने वाली है, टीम बिफोर के बंदे यहाँ पे रेव होने वाले हैं। वहीं पे एविटॉस एंड सैंडी नूब को देखे तो सैंडी नूब जो है वो अच्छे खासे यहाँ पे नॉक्स निकाल रहे हैं। टुडे वी हैड वेरी ओपी आईजीएल, हाँ ये ओके। तो बिफोर यू के बंदों को अगर देखें तो बिफोर यू के बंदे यहाँ से निकल चुके हैं, बट यहाँ पे जो फाइट एंगेज की हुई थी टीम हैशटैग एंड टीम आईजीपीएल के बीच में वो अभी तक चल रही है। बदमाश यहाँ पे दिमाग चलाते हुए, मे बी बदमाश यहाँ पे बड़ा रोटेशन लेंगे, बड़ा वाला फ्लैंक लेंगे। पीछे में टीम 20 आ चुकी है, सैंडी नूब को मारने की कोशिश, एविटॉस को भी यहाँ पे मारने की कोशिश की जाएगी। क्या यहाँ से एविटॉस निकल पाएंगे आईजीपीएल के अटैक से, आईजीपीएल को अभी यहाँ पे तकलीफ में डाल दिया गया है, मे बी यहाँ पे कुछ होने वाला है। हसलम ने एक बहुत ही प्यारा नॉक निकाल दिया है, द स्पोर्ट्स भी फाइट कर रही है यहाँ पे, रेज के आधार यहीं पे वेट कर रहे हैं, बंदों को मारने की कोशिश करने वाले हैं रेज, रेज के आधार लीडर यहीं पे है और मारने की कोशिश की जा रही है। लीडर की हेल्थ बहुत ही लो, लीडर ने यहाँ से जंप मार के बाहर उतर गए हैं, लीडर ने यहाँ पे स्प्रे मारने की कोशिश, ऊपर से बंदा यहाँ पे बाजू से यहाँ पे आके पेल दिया गया है, जंप करके यहाँ पे इनको पेल दिया गया है, द स्पोर्ट्स के बंदे मर जाते हैं। हसलर ने बहुत ही ओपी यहाँ पे एक बंदे का नॉक निकाल लिया था। द जीप फाड़ यही पे है, जीप फाड़ के जीप फट गई, मेरे को लग रहा है यहाँ पे जीप फाड़ वेट करे राइट टाइम के लिए बंदों की जीप फाड़ने के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। 11 बजे में एक स्लॉट दोगे? 11 बजे में ब्रो स्लॉट कैसे मिलेगा ब्रो, बंदे ऑलरेडी है ना यार। ओ असलर को मालूम है बंदे यहाँ पे नेड़ आता हुआ यहाँ पे जी फाड़ के ऊपर, क्या जी फाड़ फूटेंगे? ओ नहीं, जी फाड़ बच गए हैं, जी फाड़ भाई ऐसे नहीं मरने वाले हैं। नेड कुक कर लिया है और ये कुक जाने वाला है, आरुष भी वहां से मारने की कोशिश करने वाले हैं, नेड डाल दिया यहाँ पे जी फाड़ ने, क्या नेड आगे बढ़ेगा? ओ नहीं भाई नहीं, बच गए यहाँ पे, बच गए टीम नंबर 17 दोनों के नेट यहाँ पे चुकते हुए, स्टार के बंदों ने मारना चालू कर दिया। और वहीं पे आईजीपीएल एंड टीम नंबर 20 भी आ चुकी है फाइट लेने के लिए, स्टार के बंदों ने भाई एक एक बंदों को मारना चालू कर दिया है। एफएसएम के क्रॉक जो है वो नॉक पड़े हैं, पैम फ्लिक ने यहाँ पे क्रॉक को खत्म कर दिया, बट इनके नजदीक में आरुष लेने पड़े, इनको नहीं दिखा। आईजीपीएल के बंदों ने यहाँ पे अटैक चालू कर दिया है, एविटॉस अभी यही पे, एविटॉस ऊपर चढ़ चुके हैं, एविटॉस के ऊपर बंदे आ गए हैं, एविटॉस वेट कर रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। डोर बंद कर दिया एंड डोर ओपन करके यहाँ पे एविटॉस वेट कर रहे हैं, क्या ये यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, क्या यहाँ पे कुछ एम्बो गिरा दिया जाएगा ताकि बंदे आ जाए। नीचे से बंदा आ गया था यहाँ पे, आईजीपीएल ने सैंडी नूब को नॉक करा दिया और इनको फिनिश ऑफ कर दिया, क्या वापस से बहुत ही ओपी यहाँ पे टॉक्स डीपी के साथ में खत्म करते हैं बंदों को। वासु एंड
टॉक्स की हेल्थ लो जरूर हो चुके, पर अभी तक टीम इनकी बाकी है। जी फाड़ अभी तक यहाँ पे वेट कर रहे हैं, एंड वहीं पे अगर देखा जाए तो पीछे से बंदों ने रोटेशन चालू कर दिया। टीम स्टार भी धीरे धीरे अंदर आई जा रही है, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाले हैं। 50 ज्वाइन करे थे ब्रो अभी, हाँ अभी 50 ज्वाइन करे थे क्योंकि इनका अपडेटेड वर्जन नहीं था, तो देखते हैं यहाँ पे रहेगा तो फिर स्लॉट दे देंगे, नहीं तो फिर नहीं दे सकते फिलहाल के लिए। अचीवमेंट्स है तो ब्रो जरूर भेजना, फटाफट स्लॉट देने के लिए हम लोग रेडी है। इशार के बंदे किसी को हिट कर देते हैं, यहाँ पे किसी को हिट करने वाले हैं, मे बी ये है टीम नंबर 12। हैशटैग के बंदों के ऊपर यहाँ पे हिट देते हुए इशार के बंदे, हेल बॉय इनका नॉक हो पड़ा है, हेल बॉय के ऊपर फायर आ चुकी है, हेल बॉय किसी और को देख रहा था बट हेल बॉय को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। हिट्स के ऊपर हिट्स यहाँ पे आ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड ओजी निंजा जो है वो आगे बढ़ चुके हैं, ओजी निंजा ने एक अच्छा खासा यहाँ पे मेबी फ्लैंक मारने की कोशिश करने वाले हैं स्टार के बंदों के ऊपर। सासुके यहाँ पे हिट कर रहे हैं भाई, डीपी के टैप टैप एंड बर्स दे रहे हैं भाई सासुके अलॉन्ग विथ भाई और कौन दे रहा है, बस डेमन सबके पास में डीपी भाई। ये सब लोग डीएमआर स्पेशलिस्ट है क्या, डीपी इनके पास भी डीपी है क्या? जी नहीं, जी नहीं, हेल बॉय यहाँ पे अकेले स्कारल के साथ में अलॉन्ग विथ एन M4 आई गेस और उजी, जी हाँ स्कारल के साथ में उजी ले लिए। देखते हैं यहाँ पे कौन कैसे नॉक निकालने वाला है। सासुके के पास में M24 है विथ अ डीपी, ओ भाई ये अच्छा खासा कॉम्बिनेशन यहाँ पे सासुके के पास में है। एंड मे बी यहाँ पे नहीं M4 ये डीपी है, नहीं AKM है सासुके के पास में, AKM है, गन्स को शिफ्ट कर रहे हैं, गन्स को ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई। इनका कभी मेरे को दिख रहा है कि इनके पास में ये है, इनके पास में कुछ और ही है, हिट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, फट करके हेडशॉट देने वाले और ये नॉक नहीं निकाल पाए सासुके, ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट करने वाले थे, ये एक और फटका मारने की कोशिश पर नहीं नॉक निकाल पाए सासुके के ऊपर। यहाँ पे बंदा देख रहा है, वेट कर रहा है सासुके बंदों का, एंड मे बी यहाँ पे नॉक निकाल पाए नहीं, तीन ट्राई मार लिए, तीन ट्राई में यहाँ पे नॉक नहीं निकाल पाए सासुके, बट सासुके ने गाड़ी को यहाँ पे बचा लिया है, जोन के अंदर जाना भी है इनको, तो गाड़ी यहाँ पे बचाते हुए सासुके आगे बढ़ रहे हैं। पट्टू वाला हेडशॉट यहाँ पे किसी को देने की कोशिश करने वाले हैं सासुके, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। टीम 12 जो है वो अच्छी खासी खेल रही है फिलहाल के लिए, यहाँ पे टीम 12 के ऊपर नजर रखी है सासुके ने, बहुत अच्छी तरीके से स्काउट करने की कोशिश की जा रही है। 21 बंदे अभी तक बाकी है, 8 टीमें अभी तक जिंदा है एंड अटैक्स किया जा रहा है यहाँ पे। मॉडेस की टीम जो है मेरे को लग रहा है टीम हैशटैग यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। रॉकी जो है, रॉकी यहाँ पे कवर ले रहे हैं बहुत ही ओपी जोन का, इनको पता है कि इनके नजदीक में बंदे हैं। मॉडेश निंजा यही पे है, मॉडेश निंजा के ऊपर यहाँ पे हिट्स आ रहे हैं एंड मे बी निंजा यहाँ पे पिक करने की कोशिश करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या, मॉडेश ने मारने की कोशिश कर ली है यहाँ पे एंड मॉडेश यहाँ पे मार दिया, बाजू से इनको नॉक कर दिया गया है और ये भाई B4U के बंदे नॉक कर रहे हैं, मॉडेश अंदर घुस गए, मॉडेश शायद इनको रैप दे देंगे। B4U के बंदे जोन के अंदर जाने की कोशिश करने वाले और जोन के अंदर ये निकल चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। स्टार के बंदे जोन में आ चुके हैं, मॉरस अभी तक वहीं पे है, मॉरस के ऊपर में भी यहाँ पे रश किया जाएगा। नोवा यहाँ पे आ रहे हैं और मॉरस इनको रश नहीं करने देंगे, नोवा के ऊपर क्या ही यहाँ पे स्प्रे डाल दिया है मॉरस ने, मॉडर्स के बंदे वहां पे नॉक हुए जा रहे हैं, हैशटैग के बंदे यहाँ पे नॉक हो गए बट मॉडर्स यहाँ पे हार नहीं मानने वाले। मॉडर्स ने बहुत ही ओपी नॉक यहाँ पे दिला दिया, गाड़ी के ऊपर अंदर से बंदे को उतार दिया और अकेले बंदे को यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे हैं। टीम B4U को यहाँ पे मॉडर्स अकेले पेलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे इनके साथी जो है वो बाजू में किसी और टीम को ले रहे हैं, स्मोक डाल दिया गया अपनी गाड़ी के ऊपर ताकि इनकी गाड़ी ना फूटे, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। बंदे मे भी इनकी गाड़ी के ऊपर यहाँ पे मारने की कोशिश की जा रही है, गाड़ी को फोड़ने की कोशिश की जा रही है, मॉडर्स का टायर से यहाँ पे खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे बाजू में देखे तो यहाँ पे मॉडर्स का एक साथी बदमाश भी है, बदमाश को स्पॉट कर लिया, बदमाश फायर करने की कोशिश करने वाले और हेल बॉय यहाँ पे आ चुके हैं, बदमाश को यहाँ पे नॉक दे दिया गया, बदमाश के पास में कवर नहीं था, बदमाश यहाँ पे आके लेट चुके थे। एक यहाँ पे साथी और मर चुका है टीम हैशटैग का, देखते हैं यहाँ पे टीम हैशटैग के मॉडर्स क्या करने वाले हैं। मॉडर्स यहाँ पे अकेले जिंदा है, क्या मॉडर्स यहाँ पे कुछ करने वाले हैं, क्या मॉडल जीतता है। ओ भाई यहाँ पे एक बंदा और नॉक कर दिया एंटी मिस्टर, यहाँ पे बंदों को नॉक करती हुई, मे बी यहाँ पे मॉडल जिंदा है और शायद से मॉडल मर गए गाइस, मॉडल मर गए शायद से गाइस, पता नहीं, देखते हैं यहाँ पे मॉडल मर गए कि नहीं। जी नहीं, मॉडेश अभी तक जिंदा है भाई, ये बंदा भाई हार नहीं मानता है, ये बंदा बंदों को फेलता है। पीछे में यहाँ पे यूट्यूब के बंदे दिख रहे हैं, क्या इनको नॉक मर पाए गए, एक को नॉक सके, एक स्प्रे में मारने की कोशिश, हेल्प बहुत दे रहे और मॉडल्स को खत्म कर दिया। यहाँ पे यूट्यूब के बंदे नॉक जरूर थे पर जाने के टाइम पे यहाँ पे एक बंदे को नॉक जरूर दिलाया एंड यहाँ पे जोन भी आ रहा है।
मे बी जोन थोड़ा सा अभी रुक गया है, तो यूट्यूब के बंदे बच जाएंगे, बिफोर यू के बंदे जो है वो स्मोक में बच गए अपना। यहाँ पे स्मोक मार के बहुत यूपी कवर, यहाँ पे बिफोर यू के बंदे ने ले लिया। बीफोर यू के बंदे यहाँ पे आ गए हैं, बहुत ही ओपी कवर यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये कवर जोन में नहीं है, बीफोर यू को वापस से जाना पड़ेगा। बंदों का बंदे गाड़ी चेंज करके जा रहे हैं, नेट यहाँ पे आ रहे हैं, क्या यहाँ से निकलने वाले हैं? जी नहीं, गाड़ी तो यहाँ पे घुमा दी है, कहाँ से निकलेंगे बीफोर यू के बंदे? भाई ये लोग डैशिंग कार खेल रहे हैं या गाड़ी गाड़ी खेल रहे हैं? ओके तो बीफोर यू के बंदे निकल चुके हैं, यहाँ पे इनके पास प्रे आ चुका है, प्रेडेटर एंड किंग है, इतनी ज्यादा लोन हो चुके, घुस गए यहाँ पे बिफोर यू के बंदे स्टार के कंपाउंड के ऊपर, और देखते हैं यहाँ पे स्टार के बंदे भी इनके नजदीक में, बिफोर यू के बंदे भी यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, देखते हैं फिलहाल के लिए क्या होने वाले। स्टार के बंदे यहाँ पे फिलहाल के लिए एंगेज है, अभी के लिए एंगेज है टीम फैम के साथ में, एंड विजन की हेल्थ लो हो चुकी है। विजन यहाँ पे अपने दोस्त के नेड के साथ में थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ में आ गए, हेल्प बॉय आगे बढ़ रहे, फैम फ्लिक जो है वो यहाँ पे नॉक पड़े हैं, मारने की कोशिश, एंड स्टार के बंदे भाई फुल ओपी तरीके से रश मारते हुए फेलते हुए, आईजीपीएल के बंदा अभी तक जिंदा है, बिफोर यू के बंदे जिंदा है, एंड बाजू में अगर देखे तो टीम नंबर 21 बिफोर यू के भाई गॉड गिवन भी अभी तक जिंदा है। देखते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है, मेरे को लग रहा है गाइस यहाँ पे गॉड गिवन कुछ ना कुछ यहाँ पे सुमड़ी में किसी को यहाँ पे लेके जाने वाला है, देखना है हम लोग को यहीं पे। MDS MEG मेरे भाई आपको अचीवमेंट देने पड़ेंगे, अचीवमेंट्स लगते हैं विनर सेमीफाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट ऑफ एनी ऑफिशियल टूर्नामेंट विद अ YT लिंक एज वेल एज योर क्रू स्क्रीनशॉट, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट जो है वो भी नहीं चलेंगे, ग्लोबल वर्जन है, अभी ग्लोबल वर्जन आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर से आपको रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ में आपको अगर आप ESL खेल चुके हो उसमें सेमीफाइनलिस्ट या फाइनलिस्ट हो तो हमें सो स्ट्रॉन्ग का लिंक आपको देना पड़ेगा, ताकि हम लोग वेरीफाई कर सके आपके क्रू को और ऑल्सो आपके स्टैट्स को। और देखते हैं यहाँ पे IGPL ने यहाँ पे स्पॉट कर लिया है, IGPL के बंदों ने यहाँ पे इनको नॉक कर दिया, खत्म कर दिया। स्टार के डेमन ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे जोन ले लिया, बंदे जा रहे हैं स्टार के आगे बढ़ रहे, टॉक्स यहाँ पे नॉक पड़े, वासु अपने बंदे को शायद से रेप देने वाले या नहीं वो हमें पता नहीं है, जोन आ चुका है, वासु की हेल्थ लो हो रही है, स्मोक का कवर डालते हुए यहाँ पे वासु स्मोक के कवर में जा रहे हैं, एक एक करके कवर में आ रहे हैं, टीम बी4यू को यहाँ पे खत्म किया जा रहा है, टीम स्टार क्या यहाँ पे चिकन लेगी? बी4यू के प्रेडेटर जोन के बाहर, वासु भी जोन के बाहर, वासु जोन के बाहर, और आके भाई यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वासु को खत्म कर दिया गया है भाई, स्टार के बंदे यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, हेल्प बॉय अकेले, बी4यू के प्रेडेटर भी अकेले यहाँ पे, देखते क्या होने वाला है। स्टार के बंदे यहाँ पे बंदों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एक बंदे को यहाँ पे नॉक करते हुए फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, डेमन स्मोक के अंदर से स्प्रे दे रहे हैं, ईशर के विजन को यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश, हर जगह पे स्मोक का कवर देने की कोशिश, पर टाइम पे प्रेडेटर को उठ के बाजू में नहीं जाने को मिला, और यहाँ पे प्रेडेटर मर जाते हैं। ई स्टार यहाँ पे चिकन लेके जाती हुई, जो टीम ने पैराशूट बहुत जल्दी खोला था और बाद में लास्ट में उतर गए थे पीछे में नीचे में आराम से ग्लाइड करते हुए, वो भाई यहाँ पे बूम बाम करती हुई आगे बढ़ती हुई, एंड स्टार के बंदे फुल एकदम ओपी तरीके में पेलते हुए बंदों को। और गाइस तो यहाँ पे फिलहाल के लिए निकाल लेते हैं एक दूसरे का कस्टम रूम, तब तक के लिए गाइस आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, वी विल बी राइट बैक इन अ फ्यू सेकेंड्स। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है, कितने कितने बंदे क्या क्या पूछते हैं, चैट पढ़ लेते हैं गाइस फिलहाल के। 11 बजे में एक स्लॉट, तो आपको तो बोल ही दिया, उसका आंसर दे दिया है, ये यस्टरडे आते का बिफोर यू, जी हाँ बिफोर यू आए थे कल, कल खेल रहे। ओके तो गाइस हम लोग यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मैच स्टार्ट होगी 11 बज के 20 मिनट को, 11 बज के 20 मिनट को मैच स्टार्ट होने वाली है, तब तक के लिए आप लोग मजे करिए यार, बूम बाम करिए, क्या ही बोले आप लोगों को भाइयों। Thank you.
स्टार बॉट आइए भाई, विजय ने खुद बोल रहा है स्टार बॉट, हबीबी को फिर से बुलाओ यार। जी हाँ, हबीबी आने वाली है ये मैच में, अगर उनका मैप सब डाउनलोड हो गया तो और प्रॉपर अपडेट हो गया तो, नहीं तो फिर गाइस हबीबी कल खेलेगी, गाइस कल खेलेगी। अगर आप लोगों को हबीबी का बूम बाम देखना है तो भाई हमारे इंस्टा को फॉलो करो, हमारे इंस्टा में हबीबी के बंदे हैं, हम लोग रोज पोस्ट करते रहते हैं, तो फिर आप उधर से हबीबी का अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। और आपके पास में अगर कोई ऐसे मोन्टाजेस है जिसको आप लोग फीचर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें डीएम करिएगा, ताकि हम आपका मोन्टाज डाउनलोड कर पाए और उसको दिखा पाए, उसको हमारे पोस्ट में डाल के आपको टैग कर पाए, क्रेडिट दे पाए आप लोगों को, और मे भी शायद से कोई बंदे देखे तो आपकी भी हेल्प हो सकती है। हम पूरी ट्राई करेंगे कहीं तो आप लोगों को हेल्प करने की। हम लोग भाई पीछे नहीं पड़ने वाले, अभी फुल बूम बाम करने की कोशिश करने वाले। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है GNRESPORTS.GG, फटाफट फॉलो करिए, ओपन अकाउंट है, फॉलो करिए, पोस्ट देखिए, अगर आपका पोस्ट उसमें आएगा, फीचर होगा तो प्लीज हमें स्टोरी में टैग कीजिए, ये हमारी एक विनती है। हाँ गाइज, एक चीज तो हम बोलना भूल ही गए, प्रोवाइडेड दैट योर मोन्टाज इज ऑफ अ कॉम्पिटेटिव गेम प्ले तभी भेजिएगा। क्लासिक गेम प्ले का मोन्टाजेस हम लोग नहीं डाल सकते, हमें चाहिए कॉम्पिटेटिव गेम प्ले के मोन्टाजेस। सो इफ यू गाइज आर प्लेइंग कॉम्पिटेटिव एंड आपके पास आपके मोन्टाजेस है तो हमें डीएम करिएगा, हम जरूर उसको डाउनलोड करके स्टोरी डालेंगे और आपको टैग करेंगे, विल गिव द होल क्रेडिट टू यू, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमें बस यही चाहिए कि आपके सपोर्टर्स बढ़े और बंदे ज्यादा से ज्यादा आपको देख पाए और आपके स्किल्स को पहचान पाए।
आई नो गाइस, आज थोड़े से बंदे कम है क्योंकि भाई बंदों का ठीक से अपडेट नहीं हुआ यार, अपडेट नहीं आया, बस बंदों का अपडेट नहीं आया तो भाई बंदे कम है। कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे हबीबी वाले आने वाले हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। थोड़ी देर में मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बूम बाम चालू होने वाला है। क्या बोल रहे हैं हबीबी? और हबीबी के बंदे शायद से मेरे को लग रहा है कि आ चुके हैं यहाँ पे, देखते हैं हबीबी के बंदे आ गए क्या। और राइट, तो गाइस यहाँ पे बंदे आ चुके हैं, बस 57 बंदे। ये देखते क्या करना है गाइस, क्या करना है, क्या हमें वेट करना चाहिए थोड़ा और, 2 मिनट और, 2 मिनट क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक को बुलाओ, गटा गट पी जाऊंगा। हाँ ये भाई कोल्ड ड्रिंक को बुला बोलते, मैसी देखो बुला रहा है भाई, मैसी आ रहे आ रहे आ रहे भाई, मेरी टीम से जंगली को हटाओ, आपकी टीम से जंगली को हटाओ, इश्ता मेरे भाई जंगली मारियो, आपकी टीम वाला नहीं है मारियो, मारियो ब्रो किधर घुस गया इश्तर, क्या ये आप ही का स्लॉट है? एग्जैक्टली मेरे को चेक करने दो, लेट मी चेक इश्तर। और स्लॉट नंबर 9 है वो जंगली मारियो का है। जंगली भैया टाटा बाय बाय सी यू, सॉरी ब्रो, कोई बात नहीं, होता है गाइस कभी कभी ऐसा भी होता है। टीपी रूम भाई का, अरे नहीं रे ब्रो, टीपी रूम नहीं है, टीपी रूम नहीं है, एस्ट्रो वाइपर टीपी रूम नहीं है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन 2 मिनट, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कम से कम 60 तो बंदे आए, बंदों को मदद तो आए, क्योंकि वीकेंडी है गाइस, वीकेंडी है, और वीकेंडी में जितने ज्यादा बंदे उतने भाई बंदे मारने में मजा आता है। बस 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जी नहीं, यहाँ पे भाई ग्रीन सिग्नल आ चुका है तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, कर लेते हैं, बंदों ने बोल ही दिया तो लो लो भाई, अभी कहा बोले, तीनों प्लेयर बूम हो गए, क्या ही टाइम पे भाई, टाइम पे टाइम ही खराब चल रहा है ब्रो, टाइम ही खराब चल रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी अभी तक बंदे हैं 50 के ऊपर बंदे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। भाई अपने भाई ने मैसेज किया, क्लाउडी ने, आइए क्लाउडी भाई ने मैसेज किया। ओके गाइस, तो यहाँ पे चालू हो चुका है, फाइट चालू होने वाला है। ब्राइटनेस बढ़ा दो जुईफ भाई, हाँ ब्राइटनेस बढ़ा ही दी ना सेटिंग। भाई ये कौन करता है, भाई ये कौन करता है ब्रो, अबे 150 ब्राइटनेस, हाँ ठीक है अभी ठीक है, थैंक यू सो मच मॉडेस्ट मेरे भाई फॉर इन्फॉर्मिंग। ओके तो गाइस यहाँ पे चालू होने वाला है, वीकेंडी का मैप है एंड फ्लाइट पाथ जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। काइलो मेरे भाई क्या हाल चाल है ब्रो, टेल्ट के बंदे यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि नहीं आए हैं, क्योंकि क्योंकि काइलो बता जल्दी से बता, तू मैप डाउनलोड नहीं किया ना, तू मैप डाउनलोड नहीं किया साले, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। बंदे मेरे को लग रहा है कि वीला के पास में जाने वाला है कि नहीं पता नहीं है, बट द स्पोर्ट्स ने यहाँ पे ऑलरेडी जंप ले ली है, बहुत ही अर्ली जंप लेके यहाँ पे जाने वाले हैं, मे बी मिलनार की तरफ में या डायनो पार्क की तरफ जाते हुए तो हमें नहीं दिख रहे। हबीबियों ने भी जंप ले लिए, आज ये गोइंग टूवर्ड्स हॉट स्प्रिंग, देखना हम लोग को यही है। ईएलडब्ल्यू के बंदे भी यहाँ पे जंप ले रहे हैं, इसका मतलब जीएनआर यहाँ पे जंप ले रही है अलॉन्ग विथ अदर पीपल, अदर गाइज कहाँ कहाँ पे उतर रहे हैं ये हमें देखना है। फिलहाल के लिए मोस्ट ऑफ द गाइज आर गोइंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द फ्लाइट पाथ, एंड क्या यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही हिट्स आने वाले हैं, यहाँ पे क्या लेफ्ट साइड में ही फाइट्स होने वाले हैं, या राइट साइड ऑफ द फ्लाइट पाथ भी यहाँ पे कुछ होने वाला है। कॉस्मो ड्रोन की तरफ यहाँ पे बंदे जाते हुए हमें दिख रहे हैं, पॉड वॉस्तों में मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे
टीम नंबर 20 जा चुकी है, टीम नंबर 20 पड़ोसों में जा रही है, और टीम हैशटैग जो है वो मेरे को लग रहा है कि क्रेजनिक के नजदीक में आके लूटने वाली है। वहीं पे अगर इन लोगों को देखा जाए, टीम नंबर 5, टीम नंबर 4 एंड टीम नंबर 19 उतर के जा रही है भाई, कहाँ पे पोर्ट की तरफ भाई, स्टार की टीम जा रही है। एंड टीम नंबर 19 भी यहाँ पे ऑलमोस्ट उतर चुकी है, कोल माइंस और गोरोको के बीच के अंदर उतर चुकी है। बट मोवात्रा के पास में जाए तो यहाँ पे टीम नंबर 10 उतर चुकी है, एंड अलॉन्ग विद टीम नंबर 21 मे बी दे माइट फाइट विद इधर, क्योंकि यही बंदे नजदीक में है, और देखते देखते यहाँ पे डीएमआर के बंदे भी फाइट करने वाले हैं अलॉन्ग विद टीम नंबर 5। अभी हम लोग को यही देखना है कि भाई यहाँ पे क्या करने वाले, एफएसएम के क्रॉक अभी तक जिंदा है, बीआरटीएल नाइट्रो फॉर द विन भी अभी तक जिंदा है, एंड ट्रिगर ओपी भी यही पे है। क्या ये एफएसएम के क्रॉक को मार पाएंगे? जी नहीं, क्रॉक ने यहाँ पे फॉल बैक कर लिया, डीएमआर के बंदे जो थे वो इनके ऊपर आ चुके हैं आगे में, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। आधे अपडेट कर दिए, आधे किए ही नहीं। ओ भाई भाई नेक्स्ट लेवल स्कैम। ओ भाई अरे क्या ही करे भाई, मेरा आईफोन भाई क्या ही बोलूँ भाई, मेरे को अभी मालूम पड़ा कि अपडेट हो गया भाई, इसके लिए हमने फटाफट मैसेज कर दिया कि गाइस मैं अपडेट कर लो। थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम गया, आधा घंटा वीडियो बनाने में टाइम गया इसके लिए, नहीं तो फिर 9 बजे हमारे वीडियो आने वाली थी। कोई नहीं मेरे भाई, कल आ जाओ, फुल बूम बाम करेंगे, कल भी बहुत सारे भाई अपने स्क्रीम चलने वाले हैं गाइस। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं गाइस ये फाइट बिटवीन टीम नंबर 5 एंड टीम नंबर 4, टीएमआर वर्सेस एफएसएम के क्रॉक की टीम, जो कि है मे बी यहाँ पे नोवा की टीम थी स्लॉट नंबर 5 में, पर शायद से ये क्या ये नोवा की टीम है, हमें नहीं लगता है नोवा की टीम है, एफएसएम के बंदे है ये, एफएसएम की टीम है शायद से। तो धीरे धीरे यहाँ पे भाई टीम नंबर 21 ने भी फॉल बैक करना चालू कर दिया है, मे बी ये लोग यहीं पे उतर रहे थे, उतरने का सोच रहे थे। एंड मोवत्रा में यहाँ पे एक और टीम है जो कि है टीम नंबर 10, और भाई ये टॉक्सिक हैरी को हम लोग देखने वाले हैं शायद से, देखते हैं यहाँ पे टॉक्सिक हैरी क्या कर रहे हैं। भाई इनके पास में लूट तो बहुत सारी है, ढेर सारी है, मजे करने वाले हैं ये लोग लूट के साथ में, और देखते ही देखते यहाँ पे भाई बंदे मेरे को लग रहा है कि रोटेशन बनाना चालू करेंगे कि नहीं, उसके बारे में तो हम आपको बाद में बताने वाले हैं। मे भी यहाँ पे टीम नंबर 17 के जो बंदे हैं, टीम फैम जो है, मेरे को लग रहा है कि ये पेशकोवा से लेके सीमेंट फैक्ट्री से लेके ऐसे वाले रोटेशन मारने वाले हैं, देखते हैं इनका रूट क्या होने वाला है, क्या हमने बराबर से यहाँ पे गेस कर लिया। एंड जोन यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ, जोन साउथ साइड आ चुका है, और ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टीम्स आर इनसाइड द जोन राइट नाउ, तो उनको अभी स्विच करने की जरूरत नहीं है, पर टीम डीएमआर अभी तक बंदों को ढूंढ रही है मारने के लिए। वहीं पे टीम नंबर 5 जो है वो भी सच पड़ी है यहाँ पे एक नॉक निकालने के लिए बंदों का, सामने से यहाँ पे स्प्रे गॉड को अच्छी खासी गन मिल चुकी है, ग्लॉक मिल चुकी है, एंड ग्लॉक का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए हम लोग को दिखेंगे स्प्रे गॉड अलॉन्ग विथ हिज स्मॉल गन दैट इज MPK5। भाई ये गन छोटी जरूर रहे पर ये भाई खात्मा कर देती है बंदों का, बहुत ही ओपी SMG है ये। उजी की जगह पे भाई इसको स्विच कर लिया तो भाई बस है, उजी फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि ये मैप में होने वाली है, यहाँ पे MPK ही मिलती है, उजी की जगह पे यही गन है जो आपको मिलने वाली है। क्या उजी है ये? हाँ उजी भी है ब्रो, हम क्या पागल हो गया भाई, उजी भी है। MPK इसे 7.6 का वेपन आई गेस, सो गाइस आई थिंक सो उजी में स्विच कर लिया है यहाँ पे स्प्रे गॉड ने, एंड उजी को स्विच करते हुए इनको पता है कि भाई 3x ड्रॉप कर लिया अपने दोस्त के लिए, देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो टीम नंबर 10 माइट बी फाइटिंग विद टीम नंबर 21 एंड दे आर होल्डिंग द ग्राउंड राइट नाउ, दे आर होल्डिंग बैक टीम 21 के जो गॉड्स गिवन है उनके ऊपर, मे भी बंदे का स्प्रे आ सकता है, गॉड्स गिवन का अगर सर दिखे तो बंदे स्प्रे कर सकते हैं। गॉड्स गिवन जो है यहाँ पे फंस सकते हैं, एक राइट साइड से फ्लैंक आता हुआ गॉड्स गिवन के सूर्य के ऊपर, सूर्य यहाँ पे फ्लैंक कर रहे हैं या गाड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, गाड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या शायद से फ्लैंक करने की कोशिश, वो गाड़ी को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं सूर्य। B4U के नोवा जो है इन्होंने भी फ्लैंक मार दिया है, एक अच्छा खासा फ्लैंक यहाँ पे मारते हुए टीम नंबर 10 के ऊपर। क्या नोवा YT यहाँ पे आगे बढ़ने वाले, क्या टॉक्सिक के किसी बंदे को यहाँ पे फिनिश ऑफ करने वाले हैं? हम लोगों को फिलहाल के लिए तो यही देखना है कि क्या होने वाला। मॉडस किधर है? मॉडस मेरे भाई, मॉडस को देख लेते, चलो मॉडस कहाँ पे, मॉडस कहाँ पे, सारे मॉडस कहाँ पे तू? हाँ ये तो यही पे, यहाँ पे जोन का सेंटर मॉडल्स के नजदीक में बन चुका है, मॉडल्स की टीम के पास में बैठ चुका है। मॉडल्स बदमाश
जायरोफ्लेक्स एंड हथौड़ा हथौड़लो भाई। ये स्टोनर इसका नाम क्या है ये बता दे यार, इसको स्पेल कैसे करना है यार, प्रोनाउंस कैसे करना है। हैट टॉड लो, हैटॉड ओपी, हैटॉड ओपी, हैटॉड। नूब गेमिंग, आई कैन कम फ्रॉम नूब गेम प्ले, आई एम रिजॉय रिबेलो। हेलो ब्रो, इसके बाद में हम नहीं खेलने वाले हैं, आज थोड़ा सा रेस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि आज थोड़े एक इसके बाद में 12 बजे आज कुछ स्पेशल है। ओ टीम नंबर 5 5 की फाइट नहीं भाई, यहाँ पे तो 21 की फाइट हो चुकी है विद टीम नंबर 10। और देखते देखते एक बंदे को नॉक कर दिया किंग ने, दो बंदों को यहाँ पे नॉक करा दिया गया है। टॉक्सिक के बंदे यहाँ पे नॉक होके मरने वाले हैं, गॉड्स गिवन भी यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। किंग ओपी अभी तक जिंदा है, किंग ओपी को अगर देखा जाए तो किंग ओपी इज वेटिंग, मे बी यहाँ पे इनके लिए वेट कर रहे हैं। इनके पास में AKM है अलॉन्ग विथ M4 एंड नेड को कुक कर लिया, नेड को यहाँ पे प्री डाल दिया है, प्री नेड करके यहाँ पे डबल नेड डालते हुए यहाँ पे किंग ओपी क्या यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। स्मोक भी डाल दिया गया है यहाँ पे, एंड क्या यार बंदे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मे बी बंदे वेट कर रहे हैं और बंदे आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे प्रिपेयर नहीं दिया बट कोई बात नहीं, बंदे को स्पॉट करके मार दिया यहाँ पे बिफोर यू के बंदे ने, खत्म करते हुए टीम टॉक्सिक के बंदों को। FSM के बंदे जो है ये यहाँ पे नजदीक में है, देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं FSM के क्रॉक। DMR के बंदों के नजदीक में जा रहे हैं यहाँ पे, वहीं पे ट्रिगर ओपी जो है वो भी इन्हीं के नजदीक में है। क्रॉक को ही देख रहे हैं भाई, ट्रिगर तो अपने बंदे को ही देख रहे हैं मेरे। हेलो नेथन गेमिंग, क्या हाल चाल। क्या होने वाला है गाइस, यहाँ पे जोन जो है वो आराम आराम से बढ़ने वाला है, मे बी 7 8 मिनट हो गए हैं एंड पहला ही जोन आ चुका है। जोन यहाँ पे अभी कट ऑफ हो रहा है, जोन अभी स्विच ऑफ हो रहा है, जोन अभी क्लोज इन हो रहा है, और बंदों को यहाँ पे जोन में जाने का यहाँ पे तकलीफ हो सकता है, क्योंकि जो हमने बोला था टीम नंबर 17 को मे बी ये लोग वही ट्राई करने वाले, एंड सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से अगर जाने का कोशिश करेंगे तो इनके नजदीक में है टीम नंबर 20 FLK के सैंडी नूब, और सब लोग यहीं पे है। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। अमन ब्रो मेरे भाई, क्या हाल चाल है। अमन जाते हैं कहीं और, क्या बंदे कहाँ पे मारने वाले हैं। टीम नंबर 19 में भी यहाँ पे फाइट कर सकती है, और देख लेते हैं यहाँ पे टीम नंबर 19 किन के साथ में फाइट कर सकती है। इन्हीं के नजदीक में यहाँ पे लक्ष्य भी है, बटर नान एक साथी को लेकर जा चुके हैं FTF के क्रिटिकल ओप को, क्रिटिकल ओपी को यहाँ पे लेकर जा चुके हैं आगे। FSM के क्रॉक अभी तक वेट कर रहे हैं, क्रॉक भाई इनको मार के जाएंगे शायद से, मेरे को लग रहा है। या क्रॉक के पास में गाड़ी आ चुकी है, DMR के बंदे इन्हीं के नजदीक में, क्रॉक गाड़ी में बैठ गए एंड क्रॉक ने गाड़ी निकाली। क्रॉक के सामने अल्ट्रॉन यहाँ पे आने वाले हैं, क्या क्रॉक को यहाँ पे पिक ऑफ कर पाएंगे। अल्ट्रॉन यहीं पे है बाजू में लेफ्ट साइड में, पर नहीं, एक ओपी सा यहाँ पे दिमाग चलाते हुए क्रॉक की गाड़ी ऑलमोस्ट फोड़ दी गई है। गाड़ी को अगर यहाँ पे हिट लग जाएगी तो क्रॉक की गाड़ी फूटने वाली है भाई, हिट लग रहा है गाड़ी को, बट क्रॉक गाड़ी लेके निकल पड़े हैं दूसरे वाले जोन में। हैशटैग के मॉडर्स को यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर लेते हैं फिलहाल के लिए। मॉडर्स और उनकी टीम जो है, टीम हैशटैग यहाँ पे बूम बाम करने के ऊपर आ चुके हैं, वहीं पे इनके नजदीक में टीम नंबर 20 के बंदे जो है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। टीम नंबर 20 जो है यहाँ पे आगे बढ़ने के ऊपर आ चुकी है, और टीम हैशटैग यहाँ पे बंदों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बदमाश यहाँ पे जा रहे हैं आगे में, इनके नजदीक से गाड़ी आ गई, इनको गाड़ियों का आवाज आया, पर इनके पास में शायद से कवर नहीं है, इसके लिए नहीं मारने वाले। बढ़िया भाई, एक नंबर मेरे भाई। अमन हेडटॉड ओपी, हेड टॉडलो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्की बाइक लेके आगे बढ़ने वाले हैं। इनके पास में बाइक कार आ चुकी है, ये गाड़ी में बैठ के निकलने वाले हैं। फिलहाल के लिए इनके पास में अच्छा खासा कवर है, अच्छा खासा लूट है, और देखते देखते यहाँ पे टीम 21 आके बैठ गई है हबीबियों के ऊपर। शायद से हबीबी को यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करें, बिग बॉस को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है भाई। टीम नंबर 21 एंड हबीबी की टीम यहाँ पे खत्म होती हुई, 3v3 का फाइट जो था वो खत्म हो चुका है। एंड बिफोर यू यहाँ पे हबीबी को मारती हुई, वहीं पे अगर बाजू से देखे तो बंदे यहाँ पे इनके नजदीक में बढ़ रहे हैं, और बंदा आ चुका है। मे बी सैंडी नूब को मालूम पड़ गया कि यहाँ पे नजदीक में बंदे आ चुके हैं, उतर गए हैं। ओ यहाँ पे सैंडी नूब के ऊपर नेड आता हुआ, सैंडी की हेल्थ बहुत ही लो, नेड जा रहे हैं एक के पीछे एक, 2 3 नेड, और सैंडी नूब यहाँ पे फाइनली नॉक होते, बहुत ही ओपी नॉक। बंदे रश मारने की कोशिश कर रहे हैं टीम बी4यू की तरफ, एविडोस की हेल्थ लो, पर नहीं, एविडोस ने यहाँ पे नॉक निकाल ही लिया। मिश्रा आगे बढ़ रहे हैं साथ में,
नोवा एक बंदे के ऊपर जा रहे हैं, डीए के एक कैश के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे गॉड्स गिवन भी है, गॉड्स गिवन ने यहाँ पे नॉक दिला दिया है, गॉड्स गिवन का हेल्थ बहुत ही लो, एंड एक कैश को यहाँ पे खत्म करते हुए मिश्रा एंड एविटॉस अभी तक बाकी है वहीं पे। ELW के स्टीफ भी आ चुके हैं, GNR के स्टीफ, T023 भी यहाँ पे आके रुक गई है। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला, 2v2 का अभी फाइट चालू हो चुका है, 2v2 का फाइट अभी एंगेज होने वाला है। पीछे से यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए मे भी यहाँ पे प्रेशर देने के लिए आ गए हैं T23 टीम GNR, और क्या होने वाला है फिलहाल के लिए। एविटॉस ने ELW स्टीफ को यहाँ पे पेल दिया, नॉक कर दिया, बहुत ही ओपी यहाँ पे नॉक निकालिया, वहीं पे इनका जो कवर था वो निकल चुका है। एंड गॉड्स गिवन भाई यहाँ पे वेट कर रहे हैं, दोनों ने नेट यहाँ पे कुक कर लिए हैं। गॉड्स गिवन के ऊपर यहाँ पे नेट जा रहा है, 1 2 3 बहुत ही ओपी नेट यहाँ पे मिश्रा का, गॉड्स गिवन यहाँ पे नॉक होते हैं, मिश्रा इज गोइंग अहेड, आगे बढ़ रहे हैं, मारेंगे, मार दिया, खत्म कर दिया MPK 5 से, और यहाँ पे मिश्रा ने ओपी नॉक यहाँ पे दिला दिया, बहुत ही ओपी नेट का नॉक दे के खत्म कर दिया। एविटॉस की हेल्थ लो हो चुकी है, वो आगे से यहाँ पे द अनबीटेबल्स मारने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे DMR के बंदों ने भी ले लिया फाइट। तो यहाँ पे जो फाइट चल रहा है टीम नंबर 11 वर्सेस टीम DMR, देखते क्या होने वाला है। बंदे स्प्रे से यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, एंड बच्चे को चुके हैं, DMR के स्प्रे गॉड अभी तक जिंदा है, स्प्रे गॉड इज वेटिंग, स्प्रे गॉड जिगल दे रहे, बंदे यहाँ पे इनके नजदीक में आ रहे, बंदे आ चुके हैं यहाँ पे प्रेशर देने के लिए, एक को नॉक कर दिया, एक एक ट्रेड ले जा रहे हैं, एंड DMR की यहाँ पे टीम तकलीफ में, हाइपर ने एक फिनिश ऑफ कर लिया है, नॉक कर लिया है, अब क्या बंदा होगा बाकी है, हाइपर यहाँ से निकल चुके हैं, हाइपर इज वेटिंग, इनके साथ ने इनको रोक दिया है। अल्ट्रॉन यहाँ पे आगे आ रहे हैं, एंड वेगा अल्ट्रॉन यहाँ पे कवर के लिए आ चुके हैं हाइपर के, और बहुत ही ओपी यहाँ पे टीम DMR खेलती हुई, एंड DMR ने फाइनली ये वाली फाइट निकाल ली है, इसको डोमिनेट करके बहुत ही ओपी यहाँ पे टीम DMR खेलती हुई। वहीं पे टीम GNR के स्टीव जो है वो बच चुके हैं, जी अभी यहाँ पे रेव हो चुके हैं, टीम नंबर 20 के मिश्रा जो है अलॉन्ग विथ एविटॉस यहाँ पे जिंदा है अभी तक, इनके ऊपर नेट जा रहे हैं, और यहाँ से स्प्रे मारते हुए बाजू से द अनबीटेबल। तो यहाँ पे भाई टीम भाई 2020 के यहाँ पे मिश्रा नॉक हो पड़े हैं, द अनबीटेबल के बंदे अंदर घुस गए, ELW के स्टीव इनको होल्ड करे, नेक्स्ट ने यहाँ पे सैवेज को नॉक दिला दिया है, सैवेज यहाँ पे नॉक पड़े हैं, वहीं पे ELW के स्टीव तीनों बंदे भाई यहाँ पे बहुत ही ओपी, ELW के स्टीव यहाँ पे नॉक होती है, एविटॉस ने यहाँ पे ELW के स्टीव को नॉक कर दिया नेड के साथ में, अजय अभी तक जिंदा है, जोकाडो अभी तक बाकी है द अनबीटेबल्स के, एंड एविटॉस अकेले हैं, मिश्रा शायद से एविटॉस के पास में आने वाले हैं इनको रेड देने के लिए, बाजू से जा रहे हैं भाई FSM के बंदे, क्या नाशी को स्पॉट किया जाएगा। क्या यहाँ पे नास्टी को स्पॉट करके यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा, पीछे से यहाँ पे बंदे आ रहे हैं नास्टी की तरफ में, नास्टी को पता है कि नहीं वो पता नहीं है। FSM के बंदे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और नास्टी को मालूम पड़ चुका है शायद से, नास्टी को अभी तक पता नहीं है, नास्टी को यहाँ पे स्पॉट करके खत्म किया जाएगा शायद से, हमें लग रहा है ऐसा, हमें क्यों लग रहा है कि यहाँ पे लक्ष्य को नास्टी दिखे नहीं है, अभी तक दिखे नहीं है भाई, ढूंढ रहे बंदों को, लक्ष्य को अभी तक स्पॉट नहीं हुए नास्टी, और ये भाई वो भी लक्ष्य में भी यहाँ पे पट्टो वाला हेडशॉट नासी को मारने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। थोड़ी देर में यहाँ पे अजय एंड जोकाडो भी है, मॉरिस ने यहाँ पे बंदों को पिकअप करने चालू कर दिया है, मॉरिस यहाँ पे पिकअप कर रहे हैं, एंड मॉरिस और उनकी टीम आगे बढ़ चुकी है बंदों को मारते हुए, यहाँ पे बहुत ही ओपी नॉक दिलाते हुए टीम मॉरिस, टीम हैशटैग यहाँ पे बूम बाम करने के ऊपर आ चुकी है, फैम के बंदों को यहाँ पे नॉक दिला दिया है, एंड क्रेजी को मे भी यहाँ पे फिश किया जाएगा। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे द टॉक्सिक टीम यहाँ पे फिश कर रही थी, मॉरिस ने यहाँ पे फिश कर लिया है इनका भाई, एक किल में तो एक ये होता ही है, फिश होता ही है, और ये लोग मजे के लिए खेलते हैं, बहुत ही ओपी यहाँ पे खेलते हुए टीम हैशटैग, और देखते हैं यहाँ पे रेज के आधार क्या कर रहे हैं, रेज के आधार भी जो है इनके पास में स्नाइपर जरूर है, पर रेज के आधार को यहाँ से निकलना चाहिए, मे बी यही इनके पास में टाइम है यहाँ से निकलने का, देखते हैं क्या करने वाले हैं आधार, गाड़ी में बैठ के यहाँ पे ड्रिंक पी लिए और यहाँ से आधार निकलने वाले है। मालूम पड़ चुका है यहाँ से आधार निकलने वाला, आधार वेट करे, आधार ने वेट किया यहाँ पे फ्लाइट नजदीक आने का, जैसे फ्लाइट का आवाज आया वैसे गाड़ी में बैठ कर निकल लिया, बहुत ही ओपी दिमाग यहाँ पे आधार ने लगाया। वहीं पे टीम GNR अभी तक जिंदा है, GNR यहाँ पे बंदों को मारने की कोशिश करने वाली है, और ELW चीफ जो है GNR की, इनको मालूम पड़ चुका है कि इनके नजदीक में कोई बंदा है जरूर, आर्च भी यही पे है, नैशी भी यही पे है, तो सब लोग यहाँ पे तीनों अकेले तीनों तीनों यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, 3v3 का बैटल हो चुका है, लीजन ओपी यहाँ पे मर चुके हैं, एंड वहीं पे DMR के स्प्रे गॉड ने यहाँ पे स्प्रे देना चालू कर दिया, एंड नाउ दे आर फाइटिंग विद अनदर टीम दैट इज टीम ईस्टार, देखते हैं यहाँ पे ईस्टार के साथ में क्या होने वाला है। पबजी अपडेट कैसा करने का ब्रो, पबजी अपडेट करने के लिए आईफोन के लिए हमने लिंक डाली है, यूट्यूब के ऊपर देखिए मिल जाएगा ब्रो, ईस्टार के विजन के ऊपर यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं टीम DMR के ट्रॉन,
देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ट्रॉन यहाँ पे कुछ करने वाले एंड बूम बाम करने की कोशिश करने वाले। हर एक बंदा सासुके को यहाँ पे नॉक दिला दिया। डेमन वहीं पे है, हेल बॉय भी यहीं पे। भाई शॉक्स अंदर घुस गया, शॉक्स भी अंदर उसके मारने की कोशिश करने वाले हैं। और ये इनके सामने हेल बॉय को यहाँ मारने की कोशिश। नेड आ गया, हेल बॉय को ने शॉक को नॉक कर दिया। बहुत ही ओपी नॉक। विजन अकेले, विजन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नेट जो डाला भाई वो काम में आया। अकेला बंदा हाइपर अभी तक जिंदा है, स्प्रे गॉड अभी तक जिंदा है। अकेला विजन यहाँ पे फाइट नहीं कोशिश कर रहा है हाइपर के अगेन। विजन रुक नहीं रहा है, विजन सिर्फ स्प्रे दिए जा रहा है। और ये स्प्रे देते एक बंदे को नॉक पीछे, एक और बंदा एंड मारने कोशिश। विजन ऑलमोस्ट ले ही गए थे डीएमआर को, बट नहीं, स्प्रे गॉड ने डीएमआर की टीम को बचा लिया फाइनली। बहुत ही ओपी टीम वर्क यहाँ पे दिखाते हुए टीम डीएमआर एंड विजन का बहुत ही अच्छा ब्रेवरी। देखते हैं गाइस यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि स्प्रे गॉड का हेल्थ बहुत ही ज्यादा बच गया था, इन्होंने अभी हेल्थ मार लिया है। एंड बंदे यहाँ पे नॉक हो रहे हैं। ये है एफएसएम के टीम, हैशटैग यहाँ पे भी आगे आ चुकी है भाई। यहाँ पे भी अटैक कर रही है, फुल रश में आने की कोशिश। बाजू से एक बंदे को नॉक दे दिया, बदमाश को मालूम पड़ चुका है। बदमाश ने कवर ले लिया, एफएसएम के यश जो है उन्होंने फॉल बैक कर लिया। और पीछे से यहाँ पे यश को भी नॉक दिला दिया गया, तो मालूम पड़ चुका है इनका एक बंदा खत्म दर हो चुका है। बंदों को बचाने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं बच पाए। लक्ष्य जो है यहाँ पे नेट डालने की कोशिश कर रहे हैं टीम एफएसएम के, लक्ष्य यहाँ पे नेट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे जीएनआर के बंदों ने भाई उधर भी फाइट ले ली है। बटर नान ने यहाँ पे अच्छा खासा नॉक निकाल लिया है, ओपी नॉक यहाँ पे निकालते हुए स्टीव का, द स्पोर्ट्स के बंदे। लीडर को देख लेते हैं, इनके पास में ऑम आ चुकी है और लीडर को मारने की कोशिश पूरी की जा रही है। आर्ज भी इनको हिट कर रहे हैं एंड शायद से लीडर को यहाँ पे कुछ मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कवर चेंज करना चाहिए। एक बार कवर चेंज करेंगे तो यहाँ पे ओपी नॉक निकाल पाएंगे लीडर। मॉडर्स ने यहाँ पे किल्स ले लिया है, मॉडर्स ने किल उठा लिया, तो टीम मॉडर्स भाई टीम हैशटैग यहाँ पे बुमबाम कर रही है। आज वहीं पे है लीडर नजदीक में, यहाँ पे किसी को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आज के ऊपर यहाँ पे एम ले लिया है लीडर ने। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। द स्पोर्ट्स के आरुष जो है वो मे बी इनको स्पॉट कर रहे हैं। एलडब्ल्यू के स्टीव भाई ओपन से भाग रहे हैं, क्या ये अंदर घुस पाएंगे। शिव अंदर घुस के भाई कवर ले लिया है शिव ने भाई। ये भाई ओपन से भाग के भाई कवर ले लिया, बहुत ही ओपी। यहाँ पे दिमाग चला लिया एलडब्ल्यू के स्टीव ने, पर इनको स्पॉट नहीं कर पाए बंदों को। मे बी इन्होंने यहाँ पे कुछ ये करने का सोचा पर इनको स्पॉट नहीं कर पाए। नैचुर के लिए यहाँ पे बंदे शायद से वेट करे क्या। नैचुर आज के ऊपर यहाँ पे ऑलमोस्ट एडीएस रखा ही था पर आज यहाँ से निकल गए। नेक्स्टी बस देख रहे हैं यहाँ पे, वेट कर रहे हैं बंदों का। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, पट्ट करके क्या हेडशॉट देने वाले हैं। लीडर को यहाँ पे नॉक करने की कोशिश करने वाले हैं पर भाई इनका भाई ये भाई कंपाउंड ग्लिच। ओपी नॉक यहाँ पे नेक्स्टी का निकलते हुए। द स्पोर्ट्स के लीडर फॉर द विन ने यहाँ पे नेक्स्टी का नॉक निकाल ही लिया है फाइनली। द स्पोर्ट्स के लीडर जो थे वो वेट कर रहे थे नेक्स्टी को देखने का, और द स्पोर्ट्स के लीडर फॉर द विन ने यहाँ पे ओपी नॉक निकालते हुए। आर्च यहाँ पे आ चुके हैं, आर्च ने अच्छा खासा यहाँ पे कवर ले लिया है। इनके पास सामने पेड़ आ रहा है, ब्लॉक कर लिया है, ब्लॉक करके यहाँ पे बूम बाम करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। वन एचपी रहेगा, जी हाँ विजन वन एचपी रहेगा। बहुत ही ओपी ट्राई, बहुत ही ओपी ट्राई, जी जी ब्रो, बहुत ही मजा आएगा इस फाइट देखने में। आरुष ओपी यहाँ पे बंदे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी यहाँ पे स्टीव के ऊपर भी नजर इनकी रखी है इन्होंने। देखते देखते बंदे यहाँ पे मर रहे हैं। रेज के आधार जो है वो भी बंदों को बंदे वो मर चुके हैं रेज के आधार। गाड़ियां यहाँ पे निकाल ली गई है, नैशी ने अपनी हेल्थ मार ली है। मे बी नैशी का यहाँ पे हेलमेट टूट गया है, और हमने अगर देखे तो यहाँ पे नैशी का हेलमेट अभी तक बाकी है बट हेलमेट फूट गया पूरा का पूरा, डैमेज हेलमेट का डैमेज हो चुका है। टीम डीएमआर यहाँ पे अंदर घुस रही है भाई, टीम हैशटैग के ऊपर, हैशटैग के कंपाउंड के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बंदे उतर चुके हैं यहाँ पे, गॉड फ्लेक्स ने यहाँ पे नॉक करे कुछ, एक बंदे को यहाँ पे गॉड फ्लेक्स नॉक कर दिया। बहुत ही ओपी नॉक यहाँ पे गॉड फ्लेक्स का भाई। गॉड फ्लेक्स यहाँ पे हेल्थ मारने वाला है शायद से मेरे को लग रहा है, तीन बंदे अभी जिंदा है। गॉड फ्लेक्स यहाँ पे हेल्थ मार के आगे बढ़ने वाले, बहुत ही ओपी नॉक। डीबीएस के साथ में शॉक्स को यहाँ पे दिला दिया है, शॉक को यहाँ पे पिक ऑफ करते हुए पीछे से टीम डीएमआर यहाँ पे इनको बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं पे एलडब्ल्यू के स्टीव ने यहाँ पे दारुश ओपी को यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया है। बाजू में दो फाइट्स अभी चल रहे हैं फिलहाल के लिए, हैशटैग वर्सेस डीएमआर एंड टीम जीएनआर वर्सेस टीम द स्पोर्ट्स। फायर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और वापस से यहाँ पे एलडब्ल्यू के स्टीव नॉक होते हुए।
लीडर यहाँ पे बंदों को पेल रहे हैं एक आम के साथ में। बदमाश अभी तक यहीं पे है। शॉक्स जो नॉक हुए पड़े थे उनको रैप दे दिया गया है। टीम हैशटैग के मॉडर्स वेट कर रहे हैं, हाइपर पीछे से कवर देने की कोशिश करने वाले हैं। वहीं पे एफ टू एफ के बंदे भी आ गए ये वाले फाइट में। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। एफ टू एफ के बंदे फाइट कर रहे हैं। एंड नाउ टीम हैशटैग इज फाइटिंग विद टीम। ओ भाई यहाँ पे एक बंदे को नॉक दे भी दिया है। शॉक्स को यहाँ पे वापस से नॉक दिला दिया गया है। मे बी जी हाँ इनको रैप दे दिया जाएगा। मॉडर्स बंदों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। नियर डब्ल्यू के स्टीव ने वहाँ पे वापस द आरुष ओपी को नॉक दे दिया। वहीं पे लीडर को भी यहाँ पे नॉक दे दिया है। डीएमआर का शॉक्स यहाँ पे नेड के साथ में मरते हुए। बदमाश का यहाँ पे ओपी नेड आता हुआ। स्प्रे गॉड इज वेटिंग राइट नाउ। एफटीएफ के नितिन को पीछे से यहाँ पे पेल दिया गया। एफटीएफ के बंदों को भी यहाँ पे पेल रहे हैं टीम हैशटैग। तो यहाँ पे दो टीम्स को हैंडल कर रही है टीम हैशटैग। मॉडर्स अभी तक वेट कर रहे हैं। मॉडर्स इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मॉडर्स ने एक साइड हैंडल कर लिया। यहाँ पे मॉडर्स देख रहे हैं कि बंदे यहाँ से ना आए। बट गाइज यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि दो बंदे हैंडल कर रहे हैं फिलहाल के लिए। मॉडर्स यहाँ पे कवर फायर देने की कोशिश करने वाले हैं। देखते हैं क्या होने वाला है। एफएसएम के क्रूक के पास में भी भाई M24 है। वहीं पे अगर देखा जाए तो पीछे जीएनआर एंड द स्पोर्ट्स की जो फाइट चल रही है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। हैशटैग्स आर वेटिंग राइट नाउ एंड मे बी दे माइट पुश। देखते हैं यहाँ पे नेट जा जरूर रहे हैं। हैशटैग के नेट्स को एक्सचेंज जरूर किया जा रहा है। बस थोड़ा सा यहाँ पे सीन है भाई। ये क्या गया था अभी। ये पैन गया था शायद से कि नहीं। ये तो स्मोक था। ओके ओके तो बंदे यहाँ पे अगर देखे तो बंदे अभी स्मोक के कवर से बाहर निकालने वाले हैं। एंड मॉडरेट इज वेटिंग फॉर देम टू कम आउट ऑफ देयर कवर। और देखा जाए तो यहाँ पे टीम द स्पोर्ट इज स्टिल राइट नाउ फाइटिंग विद टीम जीएनआर। जीएनआर को भी जोन में जाना है। द स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे जोन में ऑलमोस्ट आना है। अटैक्स कर रहे हैं बंदे यहाँ पे। दो फाइट जो चल रही है। फाइट स्विच कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे टीम जीएनआर निकल चुकी है। क्या टीम जीएनआर निकल के कुछ कर पाएगी। एफएसएम के क्रुक को यहाँ पे खत्म कर दिया। टीम एफटीएफ भी यहाँ पे आने वाली है अभी कंपाउंड के पास में। एंड टीम जीएनआर यहाँ पे आके वेट कर रही है। एक अच्छा खासा कंपाउंड होल्ड कर लिया है। वहीं पे अगर देखा जाए तो मॉडर्स ने यहाँ पे नैसी को नॉक कर दिया है। एंड नैसी को नॉक जो किया है मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे फिनिश ऑफ करने वाले। मॉडर्स बांधने की कोशिश करने वाले हैं नैसी को। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। डीएमआर के बंदों ने यहीं पे एडवांटेज ले लिया एंड एक बंदे को नॉक कर दिया। जायरोफ्लेक्स नॉक हो गए हैं। बदमाश भी यहीं पे। बदमाश को भी यहाँ पे नॉक दिला दिया गया। अकेले मॉडर्स यहाँ पे जिंदा है। मॉडर्स भी यहाँ पे आते हुए मॉडर्स वर्सेस प्रे गॉड और खत्म करते हुए टीम हैशटैग को टीम डीएमआर। हैशटैग का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लूज हो गया। दूसरे टीम के ऊपर जा रहे थे पर पीछे से यहाँ पे स्प्रे गॉड ने एडवांटेज ले लिया वही टाइम पे। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए यहाँ पे टीम एफटीए भी बहुत ही ओपी खेल रही है। जीएनआर थोड़ी सी तकलीफ में हमें लग रही है बट द स्पोर्ट्स के बंदों को यहाँ पे खत्म कर दिया। डिफिकल्टी को यहाँ पे थोड़ी सी कम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं टीम जीएनआर। वहीं पे टीम एफटीएफ भी है जो अच्छे खासे कवर में है। एंड टीम डीएमआर भी यहाँ पे कवर में है। बटर नान को देख लेते हैं। बटर नान क्या करने वाले। क्या यहाँ पे बटर के ऊपर नान लगा के पेलने वाले बंदों को या नहीं। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे टीम जीएनआर जो है पीछे में उड़ के। कोई भी जोन में नहीं है। जोन में जाना पड़ेगा बंदों को। क्या यहाँ पे बंदे एक अपने बंदे को जोन में भेजेंगे या नहीं हम लोग को वही देखना है गाइस। तीनों टीम्स यहाँ पे अभी वेट कर रही है। फाइट अभी चालू होने वाला है। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ऑल द थ्री टीम्स आर होल्डिंग बैक राइट नाउ। अभी ये टाइम नहीं है। 20 सेकेंड बाकी है। स्मोक्स के कवर अभी बनाए जाएंगे एंड अभी जोन में आना पड़ेगा इन लोगों को। देखते हैं यहाँ पे क्रिटिकल ओपी एंड बटरनार में भी नजदीक में है तो शायद से ये लोग जोन में जाने की कोशिश करेंगे। एलडब्ल्यू के स्टीव इनको होल्ड करने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पे स्मोक से कवर जा रहे हैं। स्मोक से कवर में यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे एफटीएफ के नितिन भी है। नेस्टी स्मोक से कवर में वेट कर रहे हैं। नेस्टी देख रहे हैं यहाँ पे क्या। नेस्टी को स्पॉट कर लिया गया। नेस्टी आ चुके हैं यहाँ पे लेट गए हैं पर नेस्टी अभी तक स्मोक के कवर में नहीं। जी हाँ स्मोक के कवर में है। एलडब्ल्यू के स्टीव को यहाँ पे नॉक दे दिया है। आरसी स्टीव के पास में जा रहे हैं। हाइपर आगे बढ़ रहा है। हाइपर भी आगे बढ़ चुके हैं। नैस्टी को अभी यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे हाइपर ने एक बंदे को खत्म कर दिया। दोनों को खत्म कर दिया। नेड यहाँ पे आ रहे हैं। स्प्रे गॉड को यहाँ पे नॉक दे दिया। एफटीएफ के नीति ने हाइपर को यहाँ पे नैस्टी का नेड लेके जाता है। स्पॉट कर लिया जरूर नैस्टी ने। नैस्टी स्प्रे मारने की कोशिश। टीम एफटीएफ यहाँ पे आगे बढ़ रही है। अल्ट्रॉन गेल बहुत ही लो एंड टीम यहाँ पे डीएमआर खत्म होती हुई। एफटीएफ के बंदे अभी आगे बढ़ रहे हैं। इनको पता है कि भाई अकेला बंदा है। नैस्टी ने प्रीकुक ने डाल दिया और नैस्टी को पीछे से यहाँ पे बाजू से खत्म कर दिया। टीम एफटीएफ ने ये वाला चिकन डिनर निकाल के टीम जीएनआर को सेकंड पोजीशन पे डाल दिया है। बहुत ही ओपी वेट एफटीएफ ने किया। बहुत ही ओपी होल्ड किया एंड एंड में यहाँ पे फाइट ले लिया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फुल बूम बाम हो गया। चलिए मिलते हैं कल वापस से
10 बजे, 11 बजे, और कल अपनी प्रॉपर लॉबी रहेगी बिकॉज सब लोगों ने अपडेट किया रहेगा। तो तब तक के लिए अगर आपके पास में इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, GNRESPORTS.GG हमें फॉलो कीजिएगा। आपके जितने भी मोन्टाजेस है कॉम्पिटेटिव के हमें भेजिएगा, हम जरूर हमारे स्टोरी में अपलोड करेंगे। ज़्यादा बंदे नहीं है बट वील ट्राई आर लेवल बेस्ट टू गिव यू एज मच सपोर्ट एज वी कैन। ऑल्सो वॉट वी कैन डू इज यू गाइज कैन फॉलो आर डिस्कॉर्ड चैनल, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको अभी हम लोग यहाँ पे डालेंगे, और एल्स वॉट यू कैन डू इज यू कैन DM इन आर इंस्टाग्राम सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू आर डिस्कॉर्ड लिंक। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज, एंड अगर आपको ये वाला हमारा स्क्रीन पसंद आ रहा है तो जरूर हमें यहाँ पे कमेंट में बताइएगा। ऑल्सो नहीं पसंद आ रहा है तो कौन से टीम्स को बुलाना चाहिए वो भी बताइएगा, उनको बुलाने का हम कोशिश करेंगे। भाई हमारे औकात के बाहर मत जाइएगा, औकात के बाहर मतलब आप समझ गए भाई हम कौन से टीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, उतनी हमारी अभी तक औकात बनी नहीं है। जब भी हमारे औकात बनेंगे तो हम जरूर 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 बुलाएंगे वो टीम्स को। अरे यार एफ हो गया मॉडर्स, मेरे भाई बहुत ही ओपी ट्राई किया, बहुत ही मस्त खेले थे भाई। जी जी यार बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त भाई। वो जो नॉक दिया था DBS के साथ में तुम्हारे बंदे ने, क्या ही नॉक दिया, ओपी नॉक था वो टाइम पे भाई। प्रेजेंस ऑफ माइंड स्विच करके भाई पेल दिया, डायरेक्टली नॉक कर दिया, बहुत ही ओपी नॉक DBS। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल वापस से 10 बजे और 11 बजे। टाटा बाय बाय, सी यू, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और एक बात हमें हम बोलना तो भूल ही गए गाइस, स्टोनर होता तो मजा आता, स्टोनर अभी तक मेरे को लग रहा है कि देख रहा था मेरे को लग रहा है। हाँ गाइस एक बात और कि हम कुछ बोलते हैं तो भाई वो मजाक में बोलते हैं, उसको सीरियसली मत लीजिएगा कभी भी। हमारा कास्टिंग करने का तरीका ही ऐसा है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो हमें बोलिएगा, हम वो भाई वो पार्ट को ना डिलीट कर देंगे, ठीक है। हमें कोई कॉन्ट्रोवर्सीज और ये सब इसके बीच में नहीं पड़ना है। और जो भी आप बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर बोल दिया मॉडिश, मेरे भाई बुरा मत मानना, और बाकी जो भी टीम है पेल दिया या फोड़ दिया, सर फोड़ दिया, ये हमारा कास्टिंग करने का तरीका है। अगर आप लोग को पसंद नहीं आ रहा तो हमें ज़रूर बोलिएगा, हम आपको भाई एक काम करेंगे भाई, आपका टीम को भाई कास्ट ही नहीं करेंगे, सबसे बेस्ट चीज़ तो वही रहेगा भाई, क्या बोलती पब्लिक। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। एंड अरे भाई भाई प्रिंस भैया आ गए भाई, सर सर जी बिग फैन भाई, हो किधर प्रिंस भैया। गाइस एवरीबॉडी प्लीज डोंट माइंड, हम जो भी चीज बोलते हैं वो तो मजाक में बोलते हैं, ऐसा कोई ये ही नहीं है कि हमें कोई पर्सनल ग्रजेस है या वट एवर इट इज, बट हमें एक दो चीजें आई है कि आपने ऐसा बोला और हम ऐसे नहीं है, तो वो बुरा मानने की जरूरत नहीं है गाइस। बुरा वही बंदे मानते हैं जो सच में वैसे होते हैं। अगर आप हमारे नज़दीक फॉर एग्जाम्पल हमारे दोस्त हो तो हम वो कभी ये सब चीज़ें नहीं करते, आपको उतना मैच्योर होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं हो तो आप हमें बता सकते हो कि भाई मेरे बारे में बोलो मत, हम आपको कास्ट ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। और एक और चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि यार कॉन्ट्रोवर्सी से हम दूर रहना चाहते हैं भाई, हमें कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं है भाई, ये फालतू का ये सब चीज़ें हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारे कास्टिंग के ऊपर ध्यान देना है। आई ये जूस आइए मिसेस टाइटन ज्यूस बूम बाम, हमें सिर्फ हमारे कास्टिंग के ऊपर ध्यान देना है और कुछ नहीं, बस और बस कास्टिंग, और आपको जितना एंटरटेन कर पाए हम उतना एंटरटेन करेंगे। ऑल्सो हमें भाई जितने बंदे अच्छे खेलते हैं उनको हमारे स्क्रीन में चांसेस देने हैं, तो अगर कुछ गलती हो गई तो गाइस भूल जाओ, आई एम सो सॉरी, हमारे दिमाग में ऐसा कोई नहीं था, कुछ नहीं था कि आपको हम पुट डाउन करें या वॉट एवर इट इज, आपके टीम को हम पुट डाउन करें, हम कभी ऐसे टीम को पुट डाउन नहीं करते हैं। जब भी टीम फॉर्म में रहते तो हम बताते हैं टीम फॉर्म में, जब भी नहीं रहती है तो हम बोलते हैं कि भाई टीम फॉर्म में नहीं है, इट इज एज सिंपल एज दैट, इट इज अ फैक्ट। तो गाइस प्लीज इसको थोड़ा सा यार मतलब समझ गए ना आप, यार मजाक में ले लो यार कास्टिंग को, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं। टाटा बाय बाय, सी समवन्स बर्थडे, हुज बर्थडे ब्रो, नोबडीज बर्थडे ब्रो। जी हाँ 3 मिनट के अंदर हम विश करने वाले हैं, बाय द वे हैप्पी एनिवर्सरी टू माय वाइफ इन एडवांस मिसेस टार्टन ज्यूस, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस, शादी का 2 साल हो गया गाइस। एंड यस यस यस, थैंक यू सो मच, जितने भी विशेष आएंगे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हमने पहले ही बोल दिया हैप्पी एनिवर्सरी माय वाइफ, हमारा आज जन्म शादी की सालगिरह है, जन्मदिन बोल सकते हैं यार हम, जन्मदिन बोल रहे हैं भाई, क्या ही बोले भाई तो शादी की सालगिरह है, यस गाइस। और एक और चीज़ भाई, मैं एक और चीज़ क्या बोल रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ क्या। हाँ तो वही है,
कल हमारी कास्टिंग नहीं होने वाली है गाइस, कल कास्टिंग हम लोग नहीं करने वाले। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। कल हम कास्टिंग नहीं करने वाले हैं, कल थोड़े बिजी रहेंगे। थोड़ा इन लॉस को बुलाया है घर पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा फंक्शन रहेगा। फंक्शन मतलब बड़ा फंक्शन नहीं, लाइक फैमिली ऐसा ये रहते ना, फैमिली गेट टुगेदर वैसा गेट टुगेदर है। तो कल हम कास्टिंग नहीं कर पाएंगे। कल के लिए मैं पहले ही बोल देता हूँ गाइस, आई एम सो सॉरी। बट परसों से भाई अपना वापस से बूम बाम चालू होने वाला है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। मिलते हैं कल नहीं, परसों 10 बजे और 11 बजे। स्टे सेफ गाइस, और आई एम सो सॉरी अगर हमने किसी को भाई कुछ बोला रहेगा और आपको बुरा लगा रहेगा। तो टाटा बाय बाय।